अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम आगाज करने जा रहे हैं 1.3 का। और इस एक्सरसाइज में आप गौर कीजिएगा, यहाँ पे हमें दिया गया है कि विच आर द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कॉन्फर्मेबल फॉर एडिशन, कौन से जमा हो सकते हैं। ये गौर करें, हमें यहाँ पे दिए गए हैं कॉलम और हमने बताना है कि कौन से जमा हो सकते हैं। अब जो जमा होने वाले कॉलम होते हैं, एडिशन वाले कॉलम जो होते हैं, उनके लिए चीज शर्त होती है, वो शर्त ये होती है कि उनका जो ऑर्डर है मर्तबा वो बराबर होना चाहिए। जैसे कि देखें, यहां पे मैं क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेता हूं और ये अब बताने की जरूरत नहीं है आपको कि मर्तबा क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है। तो जो ए है मेरे पास यहां पे, ए का जो ऑर्डर है, आप गौर करें यहां पे ये स्केयर मैट्रिक्स है ये, और ऑर्डर में अगर आप देखें तो दो इसमें रोज हैं और दो ही कॉलम हैं। तो मैं यहां लिखूंगा 2/2। बी का मर्तबा गौर करें, बी में क्या है गौर करें, इसमें हमें दो रोज नजर आ रही हैं, एक कॉलम नजर आ रहा है, तो ये 2/1 है। फिर सी कॉलम गौर करें, सी कॉलम में हमें नजर आ रहा है कि ये 1, 2, 3 रोज है और 2 कॉलम है, तो 3/2 हो गया। अब डी को देख लेते हैं, डी में क्या है गौर करें, इसमें हमें ये 2+1 होना है, डेफिनेटली ये 3 बन जाना है, 3 और 3 लिखा हुआ है, 2 इसमें रोज हैं, 2 कतारें हैं और एक कॉलम है, तो 2/1। ठीक है, डी के बाद आगे ई आना है, तो ई में देखें, ई भी सेम हमें नजर आ रहा है, इसमें 2 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं, ये 2 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं, तो मैंने 2/2 लिख लिया। तो ई के बाद आगे एफ आना है, एफ में गौर करें, यहाँ 1+1 2 हो जाना है, तो 3 नीचे 2 नीचे 5, फिर 2-4 और ये 3 बन जाना है, तो गौर करें 1, 2, 3 इसमें रोज हैं और 2 कॉलम है, इस तरह। तो ये आपने बना लिया डाटा, तो अब आपने देखना है कौन कौन से सेम है, जो सेम होंगे वो जमा हो सकते हैं। तो यहां हम लिखते हैं कि देखें 2/2, मैं अगर आपको यहां पे एक अलामत बना दूं, गौर करें, ये हमारे पास 2/2 है और ये 2/2 है, और कहीं 2/2 है नहीं है, तो क्या लिखेंगे यहां पे कि ए एंड ई, उर्दू वाले लिखेंगे ए और ई, ए और ई। उसके बाद गौर करें आप, ये हमें 2/1 नजर आ रहा है, ये भी 2/1 है, ये वाला ये 2/1 है, ये भी 2/1 है, तो ये B है और D है, तो यहां लिखेंगे हम B और D। फिर गौर करें 3/2 है, ये 3/2 है, ये भी 3/2 है, तो इसको हम लिखेंगे कि ये हमारे पास F है और C है, C और F। अब यहां लिखेंगे जमी खासियत पाई जाती है इन कालबों में जमी खासियत पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि इनका मर्तबा आपस में सेम है। ए और ई जमा हो सकते हैं, बी और डी जमा हो सकते हैं, सी और एफ जमा हो सकते हैं। अब ए और बी जमा नहीं हो सकता, यानी 2/2 का जो मैट्रिक्स है वो 2/1 में जमा नहीं हो सकता। बस ये बात आपने यहां समझनी है। तो ये एक एमसीक्यूज वगैरह में आपको ऑब्जेक्टिव में सवाल आ सकता है कि बताएं जी ये 2 कॉलम जमा हो सकते हैं कि नहीं। तो फौरन आपने क्या देखना है, उनका ऑर्डर मर्तबा देखना है। अगर मर्तबा बराबर होगा तो वो दोनों आपस में ऐड जमा किए जा सकते हैं, अदरवाइज वो ऐड नहीं होंगे। ये पहला क्वेश्चन था, कुछ मुश्किल नहीं था जी, इजी था बड़ा। अब आ रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन 2 में क्या है, क्वेश्चन 2 में है कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, इसे हम कहते हैं कि जमी माकूस। एडिशन तो जमा होगा, तो इनवर्स होता है उल्टा, तो माकूस उल्टा। अब ये उल्टा क्या है, देखें जो जमा की अलामत है, अगर हम उस अलामत को चेंज कर दें तो डेफिनेटली वो हमारे पास माकूस बन जाती है, यानी हम अलामतों को उलट कर देंगे। जैसे पहले आपने क्वेश्चन किया था
तो मैं इधर ही से मैं समझता हूँ करवाना चाहिए मुझे, मुश्किल नहीं है। ये देखें तो एडिटिव इनवर्स हमें निकालना है, तो ए में क्या है 2, 4 - 2, 1। अब इसका हम लिखेंगे जमी माकूस, जैसे कि इसका अमल करना है अगर आपने सवाल का, तो मैं यहां कर देता हूं आपको। इक्वेशन टू है तो ए हमें जो नजर आ रहा है वो है 2, 4 - 2, 1। ओके, ये हमारे पास एक कॉलम है। क्वेश्चन नंबर टू चल रहा है जी, तो हमने इसका माकूस निकालना है। तो यहां लिखेंगे ए का माकूस। अब माकूस कौन सा? जमी माकूस, ठीक है ना। तो माकूस कौन सा है? ये जमी है, क्योंकि जरबी माकूस भी होता है। तो जरबी माकूस क्या होता है बाद में आपको बताएंगे। माकूस का मानी अक्स, और अक्स आपको पता है हमेशा उलट होता है। अभी शीशा है एक आईना, उसमें खड़े होकर आप देखें तो वो आपका अक्स है, जो आपकी राइट साइड है वहां लेफ्ट नजर आएगी, यानी वो अक्स है, उल्टा है। ए का माकूस कौन सा? जमी माकूस। तो क्या कैसे इसका जमी माकूस बनाएंगे जी? गौर करें, हम इसको इनवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो मैंने यहां पे लिखा माइनस ए, ठीक है, माइनस लिखें, आगे ए लिखें, 2, 4 - 2, 1। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, डेफिनेटली आपको पता है बाहर माइनस है, तो अब अलामतें क्या होनी है अंदर? चेंज होनी है। यहां प्लस टू था, माइनस टू हो गया, ये माइनस फोर हो गया, ये प्लस टू हो गया, प्लस नहीं लिखते, और ये माइनस वन हो गया। सो इट इज जमी माकूस। किसका? ए का। ये हमारा पहला सवाल सॉल्व हो गया। इसके बाद अब दूसरा हल करते हैं। सब की अलामतें आपने चेंज कर देनी है, सिंपल। सी में अलामतें आपने चेंज कर देनी है, डी में अलामतें चेंज कर दें। जीरो की अलामत वही रहती है जी, जीरो को नहीं छेड़ना होता हमने। तो यहां ई है, इसकी अलामतें चेंज कर दें, माइनस वन आ जाएगा। इसकी अलामतें चेंज कर दें, माइनस थ्री अंडर रूट आ जाएगा, माइनस वन आ जाएगा, जमा वन आना है, और ये माइनस टू अंडर रूट आना है। सिर्फ अलामतें ही आपने चेंज करनी है और इसमें कुछ नहीं है। तो सेकंड एक और यहां कर दूं आपको, लाइक चलें ये ई वाला कर लेते हैं। अब ई में मेरे पास जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है यहाँ पे मैट्रिक्स 1, 0, 0, 1, और आपको याद है कौन सा है? वहदानी है, यानी ये मरबी भी है, ये वितरी भी है, स्केलर भी है, और वहदानी भी है। तो हम क्या लिखते हैं यहां पे? ई का जमी माकूस। तो ये अलामत चेंज करनी है हमने, माइनस ई लिखेंगे, माइनस लिखें, आगे ई लिखें, 1, 0, 0, 1। मैंने आपको बताया हुआ है कि जो जीरो है ऐसी कोई अलामत नहीं होती। जीरो के साथ ना प्लस लिख सकते हैं आप, ना माइनस, 0, 0 है। तो -1, 0, 0 और -1, सिंपल। ये ई का जमी माकूस आ गया। दूसरा क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पे। लिखा गया इफ ए हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो -1, 2, 2, 1 है, पी है दिया गया, सी दिया गया, डी दिया गया, और बाद में हमें कुछ ही चीजें दी गई हैं। हमें कहा गया है कि जी आप फर्स्ट पार्ट में क्या करें, ए को प्लस कर दें 1, 1, 1, 1 में, फिर बी को प्लस कर दें, फिर सी को प्लस कर दें, फिर डी को, एंड इस तरह से ये कुछ हमने सॉल्यूशंस करने हैं। ये प्रैक्टिकल कुछ क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, आए इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें जो दिए गए हम लिख लेते हैं ऊपर। ए हमें जो दिया गया है वो है जनाब -1, 2 और 2, 1। ये ए दिया गया है, ऐसे में आगे बी भी दिया गया है। तो बी का जो कॉलम दिया गया हमें वो 1, -1 दिया गया है, ठीक है। ये मैं यहां से देखें तीसरा क्वेश्चन है और ये सॉल्व कर रहा हूं। और पहला जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें कहा गया कि आप मालूम करें ए प्लस, और आगे कॉलम दिया गया है मुझे 1, 1, 1, 1 का, ये मैट्रिक्स दिया गया है, इसको मैंने सॉल्व करना है। दिस इज द टास्क। अभी सबसे पहले तो अब ये गौर कीजिएगा कि देखें कि क्या ये जमा हो भी सकते हैं कि नहीं, क्या इनमें जमी खासियत और एडिटिव और एडिशन की एबिलिटी है कि नहीं। तो डेफिनेटली है, क्योंकि ए में गौर करें हमारे पास जो इसका ऑर्डर है मर्तबा वो 2 by 2 है, इसका भी 2 by 2 है, जमा हो सकता है। आए जमा कर देते हैं। तो यहां मैंने ए की वैल्यू जो है वो यहां पुट करनी है, तो मैंने यहां पे ए की वैल्यू लिखी -1, 2
टू वन, ये ए आ गया है, इसमें जमा कर देना है वन 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 को, देखें ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, आगे ये आंसर शुरू हो गया। अब यहां मैं इनको सॉल्व करता हूं, कैसे सॉल्व करना है। ये माइनस वन है, प्लस करेंगे इसको वन के साथ, मैंने लिखा माइनस वन प्लस वन, यानी जो रिस्पेक्टिव और इसके मुतलका अराकीन है उनके साथ ही जमा करना है। तो ये देखें, ये हमारे पास पहली रो का पहला कॉलम का जो डिजिट था वो मैंने लिखा इधर भी और इधर भी। अब ये पहली रो है, दूसरा कॉलम है, ये पहली रो दूसरा कॉलम, यहां भी पहली रो और दूसरा कॉलम ही लेना है। ये नहीं करना कि इस दो को आप पता नहीं यहां जमा कर दें, उसको वहां जमा कर दें, ऐसे नहीं करना। खूब आप बात समझ गए। अब इसको लें और इसको लें, रिस्पेक्टिव लेने हैं टू प्लस वन, फिर इसको लें वन प्लस वन। देखें ये कॉलम में कोई फर्क नहीं पड़ा, माइनस वन टू टू वन, माइनस वन टू टू वन, और आ गई वन 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 वन, ये बिल्कुल जैसे थे वैसे ही लिखे हैं मैंने। सॉल्व कर दे। अब प्लस वन माइनस वन आपको पता जीरो होता है, अब प्लस टू प्लस थ्री, सॉरी प्लस टू प्लस वन प्लस थ्री होता है, और टू प्लस वन आपको पता थ्री ही होता है, वन प्लस वन क्या होता है टू होता है जी। तो ये हमने जमा करके तो इसका जवाब निकाल लिया, जीरो थ्री 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 टू, ये हमारा सोल्यूशन आ गया पहले क्वेश्चन का। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, दूसरा पार्ट। उसमें क्या कहा गया हमें, उसमें कहा गया कि जी आप बी को प्लस कर देंगे इस मैट्रिक्स में, और ये मैट्रिक्स है माइनस टू एंड थ्री। तो डेफिनेटली हमें स्टार्ट कर देना जी बी की वैल्यू, यहां अगर हो सके तो लिख भी लें आप बी दर्ज करने से। अब बी की वैल्यू नहीं लिख सकते ना आप, क्योंकि बी तो एक मैट्रिक्स है और बी ये है हमारे पास वन माइनस वन, तो बी मैट्रिक्स दर्ज करने से। अब यहां बी क्या आएगा, ये वन माइनस वन आना है, ये देखे आगे प्लस करना है इसको मैंने किस में, माइनस टू और थ्री में, ओके। अच्छा अब यहां आपको जो मेथड बताया गया है कि हमने ये वन अपनी जगह पर रखना है, आगे प्लस लिखना है, और ये माइनस टू है आगे, देखें इस तरह से लिखें इसको। अब जब ये माइनस टू आ गया तो यहां तो दोनों साइंस आपस में ये देखे ना क्लैश कर रहे हैं, तो मैं क्या क्लैश खत्म करूंगा इनका, मैं यहां ब्रैकेट डाल दूंगा, दिस इज द मेथड। अब माइनस वन है और प्लस थ्री है, ये बड़े गौर से समझना है आपने, क्योंकि अगर ये आपको साइंस के रूल समझ में आ जाते हैं तो आपके लिए सारी एक्सरसाइज आसान हो जाएगी, अदरवाइज ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत मुश्किल होगी और आपको समझ नहीं आनी कि मैंने प्लस लिखना है कि माइनस लिखना है। तो मैंने क्या कहा कि वन तो आ गया, प्लस भी आ गया, अब आ गई माइनस टू है तो माइनस भी माइनस टू लिखना है, लेकिन दोनों जो साइंस हैं ये आपस में क्लैश कर रहे थे, तो मैंने क्या डाल दी, ब्रैकेट डाल दी दरमियान में, इसमें कोई क्लैश नहीं है, ये वैसे मैंने लिख दिया। अब आपको पता है कि हमने इस नीचे वाले को कैसे हल करना है, जमा तीन माइनस एक, ये जो लास्ट एक्सरसाइज हमारी 1.2 है उसमें मैंने आपको ये साइंस का जो सारा समझाया है उसको आप एक दफा रिवाइज करना चाहिए कर लें, तो फिर इसको आप सॉल्व करें। वैसे आपको पता होगा कि माइनस वन है और प्लस थ्री है तो इसका जवाब क्या आना है जी, अलामतें उलट हैं, अदाद को तफरीक करेंगे टू, और अलामत कौन सी लगनी है जो हमेशा बड़े के साथ होती है, तो प्लस टू आना है इसका, ठीक। लेकिन ये ऊपर क्या होना है, ये ब्रैकेट जो मैंने डाल दी है ये क्या है, क्या करेंगे इसका, आए इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको यहां गाइड कर दूं। एक्चुअली ये साइंस के कुछ रूल्स होते हैं जो मैं यहां पे आपको लिख के देने लगा हूं और आपने ये अच्छी तरह समझ लेने हैं। एक्चुअली ब्रैकेट का मतलब इनटू होता है और इनटू का मतलब जरब होता है। इस वक्त ये अलामतें दोनों आपस में जरब खा रही हैं, जमा जरब तफरीक आ गया ये, तो ये बात याद रखें, अगर जमा जरब खाए जमा के साथ तो जवाब हमेशा जमा आना है, अगर जमा जरब खाए तफरीक के साथ तो जवाब तफरीक आना है, अगर तफरीक जरब खाए तफरीक के साथ तब ही जवाब जमा आना है, या तफरीक जरब खाए जमा के साथ तो जवाब तफरीक आना है। चार ही केस हो सकते हैं और कोई केस नहीं है जी, जमा जरब जमा बराबर जमा,
जमा जरब माइनस बराबर माइनस, माइनस जरब माइनस बराबर जमा, और माइनस जरब जमा बराबर माइनस। ये चार रूल हैं, इनको आपने याद रखना है। अब इस रूल को मैं अप्लाई कर रहा हूं, यहां कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है? जमा जरब माइनस वाला, जमा जरब माइनस माइनस जो आप आना है। तो मैंने यहां पे लिखा वन माइनस टू, और नीचे मैंने अगर सॉल्व करना है तो कर लें, नहीं तो ऐसे ही स्टेप को भी आप चलने दें। ओके, अब इसका जवाब आ रहा है जी, अब आपने सॉल्व करना है। देखिए, जो हमारे पास अलामतों के रूल्स हैं, अलामतों से मुराद ये जो साइंस हैं, इन साइंस के जो रूल्स हैं उनके मुताबिक चलना है। ये दो रूल्स हैं, या तो अलामत अलामत से जरब खाती है या वो आपस में हल होती है। ये भी जरब खा रहे थे, अब ये हल होंगे, करें हल। आपको पता है ये जमा एक है, ये माइनस दो है, तो वो लास्ट लेक्चर आपको याद है। मैं चले आपको दोबारा यहां लिख देता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। मैंने आपको लिख के दिया था, लिखाया था कि अगर जमा सात है और माइनस चार है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, फिर जमा सात जमा चार को सॉल्व कैसे करेंगे, फिर माइनस सात जमा चार को सॉल्व कैसे करेंगे, माइनस सात माइनस चार को सॉल्व कैसे करेंगे, ये मैंने आपको लिखवाए थे, याद है। और समझाया था कि अगर हमारी अलामतें उलट होंगी तो हम इन्हें तफरीक कर लेते हैं, यहां भी तफरीक होगा यहां भी तफरीक होगा। अगर अलामतें एक जैसी होंगी तो इन्हें हम जमा कर लेंगे, यहां भी जमा होगा यहां भी जमा होगा। और अलामत आनी कौन सी है? जो बड़े के साथ है, तो यहां बड़े के साथ जमा है, यहां बड़े के साथ माइनस है, यहां बड़े के साथ जमा है, यहां बड़े के साथ माइनस है। तो ये अलामतें मैंने आपको पहले करवा दी है लास्ट लेक्चर में, ये भी आप रिपीट करें दोबारा, इनको समझें। तो अब आए इसको सॉल्व कर देते हैं। ये देखिये अलामतें उलट हैं, यानी मुखालफ हैं, जमा एक है माइनस दो है, तो अदा तफरीक होंगे, तो डेफिनेटली यहां एक आना है, दो में से एक गया तो एक आया ना। जो बड़े के साथ अलामत है वो लगाए माइनस एक। अब यहां वही रूल, अलामतें उलट हैं तो तीन में से एक गया बाकी दो, तो बड़े के साथ कौन सी अलामत है? जमा की, तो माइनस एक और दो, ये हमारे पास इसका जवाब आता है। ये बी को जब हमने सॉल्व किया तो माइनस एक और दो हमारे पास जवाब आ गया। तीसरे जुज में हमें लिखा गया यहाँ पे सी, इसमें प्लस करना है। आगे मेरे पास ये मैट्रिक्स है माइनस टू वन एंड थ्री, इसको मैंने सॉल्व करना है। जैसे आपको पता है अब क्या करना है मैंने, कि सी इज इक्वल टू वन माइनस वन एंड टू, ये मैट्रिक्स है, और इसको दर्ज करने से तो लिख लेते हैं। यहां इक्वल लिखा मैंने, अब सी की वैल्यू यहां दर्ज करें। ये सी की वैल्यू है जी वन माइनस वन एंड टू, और यहां पे जमा करेंगे इसको माइनस टू वन एंड थ्री में। ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको पता है ये वन लगना है यहां पे, उसके बाद ये प्लस आना है, फिर ये माइनस टू आना है। तो गौर करें, ये आपस में अलामतों का क्लैश हुआ, तो मैंने क्या डालना है? ब्रैकेट। फिर ये माइनस वन है, फिर ये आगे प्लस है, फिर ये वन है, फिर ये टू है, फिर प्लस है, फिर थ्री है। तो इस तरह से ये मैट्रिक्स बना। तो देखिये ना, वन था मैंने वन लिखा, ये प्लस था मैंने प्लस लिखा, आगे माइनस टू है तो मैंने डेफिनेटली माइनस टू लिखना है। लेकिन अलामतों का क्लैश हो गया तो फिर मैंने क्या करना है? फिर मैंने इनको आपस में ब्रैकेट के साथ अलग कर देना है। तो ये माइनस वन था प्लस वन हो गया, और टू था प्लस थ्री हो गया। सॉल्व करते हैं। आपको मैंने लास्ट पेज पे अलामतों के जो मल्टीप्लिकेशन के रूल है वो सिखाए थे। तो जमा जरा माइनस माइनस होता है, तो वन माइनस टू कर दिया, अब प्लस वन माइनस वन जीरो होगा, और थ्री प्लस टू फाइव होगा। अब यहां अप्लाई करें, हमारा जो रूल आपको याद है, मैंने आपको लिखवाए हुए हैं, बताए हुए हैं कि जमा एक है और माइनस दो है। क्या करेंगे? अलामतें उलट हैं, ये तफरीक होंगे, दो में से एक गया बाकी एक बच गया, और अलामत बड़े के साथ माइनस की है, तो माइनस एक आएगा, जीरो आएगा, पांच आएगा। ये हमारे पास तीसरी जुज का आंसर आ गया, माइनस वन जीरो एंड फाइव। चलें जुज नंबर आगे स्टार्ट करते हैं, फोर वाली। जुज फोर में क्या है? डी प्लस
010 एंड 201, ये हमारे पास। तो D की वैल्यू आपको पता है कि हम लिखेंगे हम D, क्या है D वे, ये ऊपर नजर आ रहा है हमें, ये 1, 2, 3 एंड -1, 0 एंड 2, ये D में है। D को दर्ज किया तो करें दर्ज जी यहां पे इक्वल डालने और ये आ जाना है 1, 2, 3 -1, 0, 2, ये D है। इसको जमा करें किसमें, 010 एंड 201 में करें जमा, ये 1 है प्लस 0 करेंगे, फिर 2 है प्लस 1 करेंगे, फिर 3 है प्लस 0 करेंगे रिस्पेक्टिवली। ये मैं अगर थोड़ा सा आपको गाइड करूं तो ये इसके साथ ठीक है, फिर ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ, ठीक है ना, रिस्पेक्टिवली। -1 है जमा करेंगे 2 में, फिर 0 है जमा करेंगे 0 में, फिर 2 है जमा करेंगे 1 में। ये बड़ा इजी सा था जी, सॉल्व करें, ये 1 आ गया, ये 3 आ गया, ये भी 3 आ गया, ये अलामते गौर करें जी उलट हैं, तो ये तफरीक होगा, बड़े के साथ जमा है तो ये 0 जमा 0 0 ही होता है और ये 3 हो गया। तो 133 इसका आंसर आ गया। अब हम जा रहे हैं पांचवीं जूज पे, पांचवीं जूज है जी, गौर करें आप अपनी बुक के ऊपर, लिखा हुआ है 2A। तो हमें डेफिनेटली A में क्या है, A कॉलम में, अब गौर करें की वैल्यू, ये -1 है, फिर 2 है, फिर 2 है और 1 है, ये A की वैल्यू है। को दर्ज किया, दर्ज करें जी, ऐसे इक्वल का निशान डालें। ये इक्वल का निशान क्यों डालते हैं, ये मैथ में बात याद रखें कि जो स्टेप हम डाउन कर रहे होते हैं वो बराबर होता है पीछे जाने में, यानी कि हर स्टेप जो होगा वो इक्वल होगा पिछले स्टेप से, इसलिए इक्वल का निशान लिखना जरूरी होता है। तो 2 लिखा मैंने, आगे मैंने जनाब यहां पे A लिखना है, -1, 2, 2 और 1। अब यहां टेक्निक समझे क्या है, यहां टेक्निक ये होगी कि 2 इसके साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है सबके साथ। तो मैं क्या करता हूं, 2 को जरब देनी है मैंने -1 के साथ, ठीक है, फिर 2 को मैंने जरब देनी है 2 के साथ, फिर 2 को जरब देनी है 2 के साथ, फिर 2 को जरब देनी है 1 के साथ, यानी आपने इस 2 को सबके साथ क्या करना है, जरब दे देनी है। सबसे मुराद मेरे अंदर जितने भी हमारे पास मैट्रिक्स के मेंबर्स हैं। तो अब आपको पता है जमा 2 है, जरब -1 है, तो जमा जरब -1 होता है, 2 एक बार 2, 2 दो बार 4 एंड 2 2 4 एंड 2 1 2, ये मेरे पास 2A का आंसर आ गया जी। तो अब हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं कि छठी जूज में क्या है। तो छठी जूज लेते हैं, छठी जूज में लिखा हुआ है यहां -1 और आगे हमने इसको B से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। अब B आपको पता है, B में क्या है, B में है जी 1 -1, ये छोटा ही कॉलम है, दर्ज करने से करें जी दर्ज, इक्वल लिखें -1, ठीक है, आगे हम लिखेंगे यहां पे मैट्रिक्स 1 -1, सॉल्व कीजिएगा। आपको पता है -1 है तो क्या करेंगे, -1 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, फिर -1 को मल्टीप्लाई -1 से करेंगे, ठीक हो गया भाई, जो बार है उसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ भी, इसके साथ भी सिंपल। तो जमा जरा माइनस, माइनस एक एक बार 1 और जमा जरा माइनस जरा माइनस जमा, तो जमा एक एक बार 1। अब ये जमा चाहे लिखें चाहे ना लिखें, तो आंसर बना होगा -1 1। गौर किया आपने, ये लामतों के रूल मैंने आपको पहले सिखाए हैं कि माइनस जरा माइनस हो तो उसका जवाब जमा में आना है। तो ये हमारी छठी जूज भी जो है वो सॉल्व हो गई। अब हम आ रहे हैं सेवंथ वाली जूज में, और सेवंथ जूज में क्या है,
उसमें लिखा गया कि माइनस टू है और इनटू सी है, माइनस टू इनटू सी। तो सी दर्ज करने से ठीक है जी, सी में क्या है, अब सी में जो बुक में पहले वो रॉन्ग लिखी गई थी शायद वैल्यू उसकी, तो अभी ये सी देखें, सी में वन है, माइनस वन है और टू है, ये सी की वैल्यू है जो बुक के ऊपर मेंशन है। तो दर्ज करने से आ जाएगा, तो अभी सॉल्व करें, माइनस टू इंटू, अब आगे सी लिखना है हमने, सी में वन माइनस वन और टू है, ठीक। अब क्या करेंगे, आपको पता है माइनस टू मल्टीप्लाई वन, फिर माइनस टू मल्टीप्लाई माइनस वन, फिर माइनस टू मल्टीप्लाई टू, ठीक, सबके साथ माइनस टू को मल्टीप्लाई करना है। सॉल्व करें, जमा जरा माइनस, माइनस टू वन जार टू, ठीक है, माइनस जरा माइनस जमा, टू वन जार टू, माइनस जरा जमा माइनस, टू टू जार फोर। तो ये मेरे पास आंसर आ गया, माइनस टू टू एंड माइनस फोर, जब सी के साथ इसको मल्टीप्लाई किया आपने। अब हम चाह रहे हैं नेक्स्ट जूस पे, उसमें थ्री डी है, सो इसको आई थिंक मैं इधर ही कर लूंगा। तो थ्री डी ये देखें जरा, तो थ्री डी को मैं यहां करता हूं, ये मैंने थ्री लिखा, आगे डी लिखा। थ्री डी तो वो भी होता है ना कंप्यूटर में भी, आपको पता है वो थ्री डायमेंशनल सॉफ्टवेयर होते हैं लाइक ऑटो कैड, वो थ्री डायमेंशनल। चले ये वैसे थ्री डी है, तो मैंने डी की वैल्यू, डी में क्या है बुक के ऊपर से देखें, ये वन टू थ्री एंड माइनस वन जीरो टू, ये डी में है जी। को दर्ज करने से तो करते हैं दर्ज, यहां थ्री लिखा, आगे डी को दर्ज कर दे, वन टू थ्री माइनस वन जीरो टू, करें मल्टीप्लाई सबके साथ। अब थ्री मल्टीप्लाई वन, फिर थ्री मल्टीप्लाई टू, फिर थ्री मल्टीप्लाई थ्री, फिर थ्री मल्टीप्लाई माइनस वन, फिर थ्री मल्टीप्लाई जीरो, फिर थ्री मल्टीप्लाई टू। अब आगे सॉल्व कर देते हैं, थ्री वन जार थ्री, थ्री टू जार सिक्स, थ्री थ्री जार नाइन, एंड जमा जरा माइनस, माइनस थ्री वन जार थ्री, एंड थ्री जीरो जार जीरो, एंड थ्री टू जार सिक्स। ये देखें जी, ये तीन छ नौ और फिर माइनस तीन जीरो छ, हमारे पास आंसर आ गया। इसको थ्री सी आ रहा है, तो आई होप ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, मैं इधर आपको सॉल्व कर देता हूं भाई। थ्री सी है, देखें सी है तो थ्री वन जार थ्री यहां पे आना है, यहां माइनस थ्री आना है, यहां सिक्स आ जाना है, थ्री माइनस थ्री सिक्स, ये हमारा सॉल्व हो गया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री जो है वो भी सॉल्व हो गया जी स्टूडेंट्स। सो क्वेश्चन नंबर फोर, और क्वेश्चन नंबर फोर में हमारे पास यहाँ जो फर्स्ट इसका पार्ट है, यानी फर्स्ट जो इसकी जूज है, पहली जूज, उसमें मेंशन किया गया कि 1001 ये एक मैट्रिक्स है, और फिर जमा करना है इसको हमने 0230 में। और गौर करें यहाँ इसके इर्द गिर्द जो है वो ब्रैकेट है, पैरेंथेसिस, छोटी ब्रैकेट इस तरह से, और साथ हम प्लस करेंगे इसको 1110 के साथ, ये एक मैट्रिक्स है। पहली जूज है, इसको हम सॉल्व करते हैं, कुछ मुश्किल नहीं है, गौर करें ये जो ब्रैकेट नजर आ रही है हमें, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मैंने इक्वल लिखा, और यहां मैं अब क्या करता हूं, इस तरह से मैं 1 को प्लस करता हूं 0 में, और फिर मैं 0 को प्लस करता हूँ 2 में, फिर 0 को प्लस करता हूँ 3 में, फिर 0 को सॉरी 1 को, ये 1 है, 1 को मैं प्लस करता हूँ 0 में, ये हमारा एक मैट्रिक्स, इसको बाद में जमा करेंगे 1110 के साथ। ओके चलिए सॉल्व करें जी, एक जमा सिफर एक होता है, दो जमा सिफर दो होता है, तीन जमा सिफर तीन होता है, और एक जमा सिफर एक होता है, ये हमारा एक मैट्रिक्स सॉल्व हुआ। अब दूसरे वाले को सॉल्व करना है हमने,
तो बिल्कुल उसी तरीके से हम इसको यहाँ पे इक्वल लिखते हैं, तो 1+1 एंड 2+1 एंड 3+1 एंड 1+0, ये देखें इस तरह से जमा होगा। तो यहां मैंने इसका 1+1 2 होता है, आपको पता है, 2+1 3 होता है, 3+1 4 होता है, 1+0 1 होता है, तो इस तरह से ये 2341 मेरे पास आंसर आ गया। इसके बाद हम आ रहे हैं जी सेकंड जूज पे, और सेकंड जूज में क्या है क्वेश्चन देखें, इसमें लिखा गया कि जी आपने 1001 ये जो वहदानी कालब है एक ये लिया गया, इसको हमें प्लस करना है अब, और ब्रैकेट छोटी स्टार्ट की गई है, कालब का आगाज किया गया 0230 के साथ, ओके, साथ माइनस है 1110, इसको हम सॉल्व करेंगे, ये छोटी ब्रैकेट है, ओके। तो गौर करें इसको हमने सॉल्व कैसे करना है, जो ब्रैकेट है उसको पहले सॉल्व करते हैं जी, ये आपको पता होना चाहिए, हम छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हैं, जो मैंने लिखा इसको पहले सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए गौर करें, ये माइनस है तो जीरो में से माइनस करेंगे इस वन को, फिर टू में से माइनस करेंगे इस वन को, फिर थ्री में से माइनस करेंगे इस वन को, और जीरो में से माइनस करेंगे जीरो को, ओके। चलें जी ऐसे इक्वल का निशान जरूर डालें, तो 1001 है ये मेरे पास यहाँ पे कॉलम है, जमा करेंगे इसको, देखें माइनस वन आना है, टू में से एक माइनस हुआ तो वन आना है, थ्री में से एक माइनस हुआ तो टू आना है, और जीरो में से जीरो माइनस हो तो ये जीरो ही रहेगा। अब इसको जमा कर देते हैं आपस में, आपको पता है वन जमा होगा माइनस वन में, ब्रैकेटें आपस में क्लैश हो रही है, ब्रैकेट दें यहाँ पे अलामतें, अलामतें आपस में क्लैश हो रही हैं, तो आप यहाँ पे क्या करें ब्रैकेट दे दें। अब ये जीरो है इसको प्लस करेंगे वन के साथ, ये जीरो है इसको प्लस करेंगे टू के साथ, फिर ये वन है इसको प्लस करेंगे जीरो के साथ, ये गौर करें जी इस तरह से हो गया। इक्वल लिखा यहाँ वन है, आपको पता है प्लस मल्टीप्लाई माइनस यानी जमा ज़रब माइनस माइनस होता है, ओके। इसको सॉल्व कर देते हैं, एक आ गया, ये सॉल्व कर देते हैं दो आ गया, सॉल्व कर देते हैं एक आ गया। एक कैसे आया, आपको पता है जब एक में हम जमा करें या तफरीक करें जीरो को, कोई वैल्यू नहीं होती, एक का एक ही रहेगा, प्लस माइनस आपको पता कैंसिल होते हैं, तो यहाँ जीरो आया, वन टू एंड वन, तो ये मेरे पास ये वाला कॉलम सॉल्व हो के इसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट चल रहे हैं हम, एक्सरसाइज हमारी वही है जी 1.3, और क्वेश्चन नंबर हमारा सेम चल रहा है 4, और इसकी जो हमारी जुज है वो चलेगी अब तीसरी। थर्ड वाली जूज में क्या लिखा हुआ है गौर कीजिएगा, यहां मेरे पास है 231, ये कालब है जी, कतारी कालब नजर आ रहा है हमें, इसमें हमने प्लस करना है किसको, ब्रैकेट स्टार्ट हुई है, कालब स्टार्ट हुआ है 102 है, कालब क्लोज, किसकी ब्रैकेट क्लोज करनी है, माइनस आया आगे आ जाएगा, ब्रैकेट स्टार्ट हुई कालब की, और ये 3 × 2 लिखा हुआ है, इसको हमने सॉल्व करना है जी। गौर करें उसी तरह से ब्रैकेट को पहले हम हल करेंगे, इक्वल लिखा मैंने यहाँ 231 तो जैसे है वैसे ही रहेगा, ठीक है, जमा लिखा मैंने, इसको सॉल्व करते हैं, आपको पता है माइनस दरमियान में, तो क्या करेंगे 1 − 2 0 − 2 and 2 − 2, ये इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो अब आपको पता है ये 231 तो वैसे ही रहेगा, इसको तो भी हम नहीं सॉल्व कर रहे, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं आगे। अब आपको पता है कि ये अलामतें उलट हैं और बड़े के साथ माइनस लगा हुआ है, तो मैंने यहाँ −1 लिखा, अदाद तफरीक होने हैं, अलामतें उलट है, −2 ही रहेगा, 2 − 2 + 2 0 होता है, ये आपस में कैंसिल हो गए। अब इनको सॉल्व कर देते हैं, 2 + −1 होगा, ठीक है, फिर 3 + −2 होगा, फिर 1 + 0 होगा, समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ मुश्किल नहीं है, सिर्फ मैं तरतीब में चाह रहा हूँ, पहले मैंने इसको लिखा, फिर मैंने इसको लिखा, फिर मैंने इसको लिखा, ठीक है, देन इसको लिखा, फिर जमा लिखा, फिर इसको लिख दिया, तो जहां अलामतें क्लैश करेंगे वहां मैं क्या कर दूंगा, ब्रैकेट डाल दूंगा। अब आपको रूल का पता है जी, क्या करेंगे अब हम, ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, जरब तो जमा जरब माइनस माइनस होता है, तो 3 + 0 − − होता है, और ये 1 का 1 ही रहा, ब्रैकेट को क्लोज करें,
सॉल्व कीजिएगा इनको, 2 माइनस 1 एक आना है, 3 माइनस 2 एक आना है, एक तो ऑलरेडी एक ही है, तो ये मेरा जो आंसर है इसका जो सी था इसका आंसर 111 आ गया जी। तो अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट जूस पे और वो है हमारे पास जूस नंबर 4। जूस 4 में क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। ये मुझे चौथी जूस नजर आ रही है जी और ये मुरबी कॉलम है दो, तो ये मैंने एक कॉलम लिखा है जी यहाँ पे जी लिखा हुआ है 1 2 3 देन है -1 -1 -1 और फिर है 0 1 2 ये एक कॉलम है, इसमें मैंने जमा कर देना है 1 1 1 2 2 2 and 3 3 3 को, ये एक कॉलम है इनको हमने सॉल्व करना है जी। इक्वल का निशान लिखा मैंने, अब हम इसको ये देखें जैसे लिखे हुए हैं वैसे तरतीब में चलेंगे 1 + 1 फिर 2 + 1 फिर 3 + 1 फिर ये -1 + 2 फिर -1 + 2 फिर -1 + 2 फिर 0 + 3 फिर 1 + 3 फिर 2 + 3। बस आपने ख्याल ये रखना है लिखते हुए बड़ा दिमाग को तेज रखना है आपने कि इसको पहले लिखना है फिर इसको लिखना है जमा को फिर इसको लिखना है फिर 1 को फिर जमा को फिर सेकंड वाले को, बस ये ख्याल रखना होता है। 1 + 1 2 हो गया, 2 + 1 3 हो गया, 3 + 1 4 हो गया, ये आपको पता सॉल्व करेंगे 1 आना है, सॉल्व करने का तरीका आपको बताया हुआ है, अलामते अपोजिट हैं, अदा तफरीक होंगे, एक लगा जब बड़े के साथ अलामत थी वो आई जमा थी बड़े के साथ यहाँ जमा आ गई, तो सेम यहाँ भी केस होगा, यहाँ भी 1 आना है मेरे पास और यहाँ भी मेरे पास सेम केस है 1 आना है, तो यहाँ 3 आ गया, यहाँ 4 आ गया और यहाँ पे 5 आ गया, तो ये मैंने सॉल्व कर लिया। ये मेरे पास एक मुरबी कॉलम था 2 3 4 1 1 1 और 3 4 5, तो ये मेरी चौथी जुज भी सॉल्व हुई। क्वेश्चन नंबर 4 ही है, चलते हैं पांचवी जुज पे। पांच जिसमें कहा जा रहा है जी, वैसे ही सवाल है कुछ मुश्किल नहीं है लेकिन चलें आपको करके दिखाते हैं। ये है 1 2 3 फिर है 2 3 1 फिर है 3 1 2, बस ये मैथमेटिकल गेम्स हैं, इनमें आपने प्ले करना है 1 0 -2 फिर है -2 -1 and 0 एंड 0 2 -1, सो इट्स फॉर योर माइंड शार्पनेस, आपके दिमाग को तेज करेगा ये सब कुछ। जमा करना है जी, क्या लिखेंगे, 1 + 1 करेंगे फिर 2 + 0 करेंगे फिर 3 + -2 करेंगे, ओके फिर यहाँ पे 2 + -2 करेंगे ब्रैकेट दे रहा हूँ फिर 3 + -1 करेंगे ब्रैकेट दे रहा हूँ फिर 1 + 0 करेंगे फिर 3 + 0 करेंगे फिर 1 + 2 करेंगे फिर 2 + -1 करेंगे ब्रैकेट के साथ। ये देखें इस तरह से मैंने ये मैट्रिक्स बना लिया, 1 + 1 2 होता है, 2 + 0 2 होता है, यहाँ सॉल्व करें तो ये 3 और जमा जरा -2 आना है, यहाँ सॉल्व करें 2 है तो जमा -2 होता है जी, जमा जरब माइनस, ठीक है जमा जरब माइनस माइनस होता है तो -2 लग गया, फिर यहाँ पे आ गया 3 फिर जमा जरब माइनस माइनस होता है तो 1 लग गया जी, इसका 1 का 1 लगना है, 3 + 0 3 होता है, 2 + 1 3 होता है और 2 - -1 और 1 होता है, होता नहीं है बल्कि ये ऑलरेडी है। चलें जी सॉल्व कर देते हैं, 2 2 and 3 में से 2 माइनस हुआ तो 1, ये कैंसिल हुए दोनों आपस में, 3 में से -1 हुआ तो 2 1 का 1 3 3 and 1। नेक्स्ट हमारी जो जूस है वो जूस नंबर 6 आ गई जी, ये छठी जूस है, गौर करें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, छठी है एंड थैंक गॉड ये लास्ट भी है। छठी जूस में हम आते हैं और यहाँ लिखते हैं जी 1 2 0 1 एंड प्लस यहाँ पे लिखते हैं 2 1 1 0, ओके इसको हम पैरेंथेसिस में इनक्लोज करेंगे एंड प्लस लिखेंगे हम यहाँ पे 1 1 1 1, ठीक है
कुछ मुश्किल नहीं, पहले इसको जमा कर लीजिएगा। 1 प्लस 2 होना है, 2 प्लस 1 होना है, 0 प्लस 1 होना है, 1 प्लस 0 होना है, ये तो होगी एक, जमा लिखा 1111, ओके। सॉल्व करते हैं, 2 जमा 1 3 होता है, 2 जमा 1 3 होता है, 1 होता है, 1 होता है, और यहाँ जमा आ गया जी 1111, ठीक है। सिंपल है बड़ा, मैं ना भी वो स्टेप करूं, मैं अब चाह रहा हूं कि मैं स्टेप ना ही कराऊं आपको, आप जरूर कर लीजिए करना चाहेगा, लेकिन मैं स्पीड में कर रहा हूं। 3 प्लस, क्योंकि यहां सारी जमा वाले हैं मेरे लिए आसान होगा, तो मैंने यहां 4 लिखा, 3 प्लस 1 मैंने 4 लिखा, 1 प्लस 1 मैंने 2 लिखा, 1 प्लस 1 मैंने 2 लिखा। देखिए ऐसे गलती लिखने का चांस होता है, एंड आई एम नॉट रिकमेंडेड यू, मैं नहीं कह रहा कि ऐसे सॉल्व करें, लेकिन अगर आपकी कमांड अच्छी है और आपको कॉन्फिडेंस है देन यू कैन डू इट, तो मैंने इसको ऐसे सॉल्व किया। तो इसके साथ ही मेरा क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियर हो गया जी स्टूडेंट्स। तो एक्सरसाइज 1.3 एंड क्वेश्चन नंबर 5 गौर करें। लिखा गया है कि फॉर द मैट्रिसेस ए हमारे पास दिया गया, बी दिया गया एंड सी दिया गया, और कहा गया कि वेरीफाई द फॉलोइंग रूल्स। ये कुछ रूल्स होते हैं जी, इनको हम एसोसिएटिव लॉ भी कहते हैं और साथ हम इन्हें कमिटेटिव लॉज भी कहते हैं। ये मल्टीप्लीकेशन में भी होते हैं और एडिशन में भी होते हैं। यानी अगर हम ए को सी में जमा करें तो वही जवाब आएगा अगर हम सी को ए में जमा करेंगे तो। यानी अगर हम इनको आपस में ऐसे बदल दें, कम्यूटेटिव लॉ इसे कम्यूटेटिव कर दें, तो आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह हमारे पास एसोसिएटिव लॉ भी होता है। जैसे ये है कि अगर हम ए प्लस बी को पहले सॉल्व करें और सी को बाद में जमा करें, तो अगर हम बी प्लस सी को पहले जमा कर लें, ए को बाद में जमा करें, तो जवाब में फर्क नहीं पड़ेगा। सो दीज आर सम रूल्स, सो वेरीफाई दीज रूल्स। कोई भी मैट्रिक्स लेके हम इन रूल्स को वेरीफाई कर सकते हैं। तो आए स्टार्ट करते हैं पहली जूस से। पहले जूस में जो हमें रूल दिया गया है वो ये है कि अगर हम ए प्लस सी करेंगे तो वो इक्वल होगा अगर हम सी प्लस ए कर देंगे तो, यानी जवाब में फर्क नहीं पड़ेगा। आए आप देख लेते हैं। तो यहां पर हमारे पास दो साइड हैं जी, इक्वल है, एक हमारे पास लेफ्ट साइड है, एक राइट साइड है। सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना। तो आप उर्दू मीडियम वाले भी यहां पे लिख सकते हैं जी, उर्दू मीडियम वाले ऐसे भी लिख सकते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, कोई मसला नहीं है, इसमें कोई मुजायका नहीं। तो अदरवाइज वो चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं कि बाई साइड, ठीक है, लेकिन बेहतर है कि वो लिखें टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो यहां पे क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं ए प्लस सी। तो अब हम वैल्यूज यहां पुट करते हैं, मैंने इक्वल लिखा। तो ए में वैल्यू है जी 1 2 3, 2 3 1, 1 माइनस 1 0, ये हमारा ए हो गया। अब हम प्लस सी लिखते हैं, और सी में क्या है, यहां देखें सी में दर्ज है -1 0 0 और 0 माइनस 2 3 एंड 1 1 2। सॉल्व करें जी, आपको पता है ये 1 प्लस -1 होना है, मैंने ब्रैकेट दे दी है, और 2 प्लस 0 होना है, मैंने 2 प्लस 0 यहां लिखा, ये 2 प्लस 0 है। उसके बाद मैंने यहां 3 प्लस 0 लिखा, फिर ये 2 प्लस 0 लिखा, फिर 3 प्लस -2 ब्रैकेट देंगे, और 1 प्लस 3 लिखा, 1 प्लस 1 लिखा, -1 प्लस 1 लिखा, और 0 प्लस 2 लिखा। सॉल्व करते हैं, देखें ये आपको पता है माइनस आना है, जमा जरा माइनस माइनस होता है, तो +-1 - मैंने यहां 0 लिखा, 2 प्लस 0 था 2 रहना है, 3 प्लस 0 था 3 रखना है, मैंने यहां मैंने 2 लिख दिया। यहां आपको पता है ये प्लस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू -3 - 2 इज इक्वल टू 1 आना है, और 3 प्लस 1 4 आना है, 1 प्लस 1 2 आना है, ये कैंसिल हुआ, 0 आना है, 2 प्लस 0 2 आना है। देखिए यहां मैंने एक स्टेप को छोड़ दिया है, अब गौर करें, पहले मैं करता था, यानी इनको जरब देख लिखता था कि 1 - 1, ये मैं लिखता था पहले, लेकिन अब मैंने नहीं लिखा क्योंकि सवाल अब लंबे हैं, तो कोशिश करनी है कि अब आप थोड़ा दिमाग को यूज करें। अब यहां लिखते हैं टेकिंग राइट हैंड साइड, टेकिंग राइट हैंड साइड,
तो वो क्या है, वो है c प्लस ए। अब पहले c को लिखें, c पहले क्या आएगा जी, आएगा माइनस वन जीरो जीरो और फिर जीरो माइनस टू थ्री फिर वन वन टू, ये पहले मैंने अब c लिखा है, अब इसको हमने प्लस करना है a में, तो a में क्या है जी वन टू थ्री एंड टू थ्री वन एंड वन माइनस वन जीरो। जरा इसको जमा कीजिएगा आप, मैंने यहां पे ऐसे इक्वल लिखा क्योंकि ये अलग है वो अलग है, यहां मैंने इक्वल लिखा, ये माइनस वन जमा एक करेंगे ठीक हो गया, फिर ये जीरो जमा दो करेंगे, फिर जीरो जमा तीन करेंगे, ये जीरो जमा दो करेंगे, ये माइनस दो और जमा तीन करेंगे ठीक है, और यहां पे तीन जमा एक करेंगे एंड वन प्लस वन करेंगे और फिर वन प्लस माइनस वन करेंगे, मैंने यहां ब्रैकेट दी है एंड टू प्लस जीरो करेंगे। अच्छा इसको सॉल्व कीजिएगा, यहां जीरो आना है आपको पता कैंसिल हो गए, और यहां टू आना है, यहां थ्री आना है, यहां टू आना है, यहां ये प्लस वन आना है, और यहां पे तीन जमा एक चार आना है, ये दो आना है, प्लस माइनस कैंसिल हुआ आपको पता जमा जीरो माइनस माइनस होता है, तो एक माइनस एक जीरो आना है और दो आना है जी। अब जरा मुझे बताएं दोनों सेम हैं कि नहीं, सेम है, सो यहां पे आप लिख देंगे हिंस, यानी पस, उर्दू वाले पस लिख लें, हिंस लिख लें, तो लिख लें यहां पे ए प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस ए, साबित हो गया। इस तरह हमने सारे सवाल हल करने हैं। तो अब मेरी कोशिश होगी कि थोड़ा स्पीड में जाया जाए और कुछ स्टेप्स को उसमें से हम माइनस भी करेंगे, ये मैंने अपने सामने रख लिया है ए को बी को और सी को, सो दैट वी कैन कंसल्ट इट, ये मैंने सामने रख लिया है। अब मैं क्वेश्चन नंबर टू सॉल्व करने लगा हूं। तो क्वेश्चन नंबर टू में जो मुझे दिया गया दूसरा रूल है वो कहा गया कि अगर मैं ए जमा बी करूं बराबर आना चाहिए वो बी जमा ए के, और मैंने आपको बता दिया ये कम्यूटेटिव लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ है, उर्दू में इसको हम खासियत मुबादला कहते हैं, ये खासियत मुबादला बिलहाल जमा है, मुबादला तब्दील कर सकते हैं हम, तो जवाब में फर्क नहीं पड़ेगा। आए सॉल्व करते हैं, सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लें वो क्या है ए प्लस बी इक्वल ए का मैट्रिक्स, ए में है वन टू थ्री, टू थ्री वन एंड वन माइनस वन जीरो, ये हमारे पास ए है, प्लस करेंगे बी में, और बी में क्या है हमारे पास वन माइनस वन वन एंड टू माइनस टू टू एंड थ्री वन थ्री, ये मेरे पास बी है। सॉल्व करते हैं, तो ये अब आपको पता मैंने क्या करना है, वन प्लस वन ठीक है, फिर टू प्लस माइनस वन ठीक है, फिर थ्री प्लस वन, फिर मैंने लिखा टू प्लस टू, फिर थ्री प्लस माइनस टू, फिर वन प्लस टू, फिर लिखा वन प्लस थ्री माइनस वन प्लस वन एंड जीरो प्लस थ्री, ठीक हो गया जी। चलिए अब सॉल्व करते हैं, एक जमा क्या होता है दो, इसको सॉल्व करने में स्टेप ये नहीं करूंगा, जमा जरा माइनस माइनस होता है, दो माइनस एक एक आना है, तीन और एक चार आना है, दो और दो चार आना है, इसको भी आप सॉल्व कर लें, जमा जरा माइनस माइनस, तीन माइनस दो एक आना है, दो और एक तीन आना है, तीन और एक चार आना है, ये कैंसिल होना है जीरो आना है, और तीन जमा सिफर तीन आना है, ये तो होगी मेरी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम यहां लिख रहे हैं टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या है बी प्लस ए, अब बी लिख रहा हूं, पहले बी लिखना है यहां पे, तो बी में आएगा जी वन माइनस वन एंड वन, टू माइनस टू एंड टू एंड थ्री वन एंड थ्री, प्लस मैंने आगे ए लिखना है जी, ए में आना है वन टू थ्री एंड टू थ्री वन एंड वन माइनस वन जीरो,
सॉल्व करते हैं इसको, 1 + 1 - 1 + 2 1 + 3 2 + 2 and - 2 + 3 and 2 + 1 and 3 + 1 and 1 + -1 and 3 + 0। देखें जी आंसर हमारा सेम आता है कि नहीं, एक और एक दो आ गया जी, दो इसको सॉल्व करें, -1 + 2 है तो 1 आना है, 3 और 1 = 4 आना है, ठीक है। उसके बाद 2 और 2 = 4 आना है, और इसमें 3 में से 2 माइनस हुआ तो 1 आना है, 2 और 1 = 3 आना है, 3 और 1 = 4 आना है, -0 - -1 - 1 कैंसिल होना है, और 3 का 3 ऐसे ही आना है। गौर करें ये दोनों आपस में इक्वल आ गए हैं, हम यहां लिखेंगे प्लस a + b = b + a के, ये साबित हो गया जी। तो ये मेरा दूसरा जो क्वेश्चन था यानी दूसरी जुज वो भी सॉल्व हो गई है। अब हम आ रहे हैं तीसरी जुज पे, और तीसरा कानून क्या कह रहा है, तीसरा कानून आप बुक के ऊपर देखें, ये वही है उसी तरह का ही है जी, b + c = c + b के, ये भी खासियत मुबादला ही है। तो हम लिखेंगे जी टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और वो क्या है b + c है, इक्वल लिखें, b को लिखेंगे जी पहले, 1 - 1 - 1 and 2 - 2 - 2 and 3 - 1 - 3, ये आ गया b, प्लस करेंगे इसको c के साथ, c मेरे सामने है लिखा हुआ -1 - 0 - 0 - 2 - 3 - 1 - 1 - 2, ये मेरे सामने c है जी। तो आए इसको अब सॉल्व कर देते हैं, 1 + -1 ठीक है, -1 + 0 and 1 + 0, 2 + 0 and -2 + -2 ब्रैकेट में, एंड 2 + 3, फिर है जी 3 + 1, फिर है 1 + 1, ये देखे ना, ये भी 1 और ये भी 1, फिर ये 3 + 2, समझ रहे ना मैं कैसे कर रहा हूं। देखे ना मेथड ये है कि आपने इसको पहले पकड़ना है इसको 1 + -1 ठीक है, फिर -1 + 0, फिर 1 + 0, बस इस तरह से आपने सॉल्व करना है। जमा जरा माइनस माइनस होता है, -1 - 1 यहां 0 आना है, यहां -1 आना है, यहां 1 आना है, 2 + 0 = 2 आना है, ये -0 - - है तो यहां -4 आना है जी, आपको पता है ये -2 - 2 हो गया, अलामतें सेम है, अदाद जमा हो जाएंगे, 4 लिख दिया है, अलामत वो जो बड़े के साथ है तो बड़ा कोई नहीं, इसलिए मैंने जो भी जो सी मर्जी लाऊं पकड़ू यहां लगा दूं, -4 लिख दिया है। यह मैंने 5 लिखा, 3 और 1 = 4 है, और ये 1 और ये आई थिंक 1 था, चेक कर लेते हैं, 1 + 1 हाँ जी एक ही था, तो यहां 2 आना है, ये 3 + 2 = 5 आना है, ये हमारा आ गया 1। ओके अब हम आ रहे हैं टेकिंग राइट हैंड साइड पे, और वो है c + b, अब हम पहले c लिखेंगे, आए लिखते हैं जी c, c में है -1 - 0 - 0 और 0 - 2 - 3 and 1 - 1 - 2, ये है c, प्लस लिखेंगे आगे इसके हम b, तो b में क्या है, इसमें है 1 - 1 - 1 and 2 - 2 - 2 and 3 - 1 - 3। ओके चलें जी सॉल्व करते हैं, -1 + 1 ठीक हो गया, 0 + -1 ठीक हो गया, फिर 0 + 1, आगे इसको लेते हैं 0 वाले को, 0 + 2 आना है, फिर -2 + -2 आना है, फिर 3 + 2 आना है, 1 + 3 आना है, 1 + 1 आना है एंड 2 + 3 आना है। अपने दिमाग को तेज करना है आपने और सॉल्व करना है। चलें जी कैंसिल हुआ, 0 आना है, यहां पे आपको पता है -0 - -1 होता है, तो माइनस आ गया तो -1 ही रहना है, ये जमा 1 रहना है,
दो का दो रहना है और ये जमा जरा माइनस माइनस हो गया, तो माइनस दो माइनस चार हुआ, तीन और दो पांच हुआ, तीन और एक चार हुआ, एक और एक दो हुआ, तीन और दो पांच हुआ। तो गौर करें, ये वाला जो कॉलम है इस कॉलम के बराबर है, तो हम लिखेंगे लिहाजा साबित हुआ कि कानून ठीक है। कौन सा कानून? कि अगर बी जमा सी होगा तो बराबर आएगा वो सी जमा बी के। ये हमारा तीसरा जो क्वेश्चन था वो भी सॉल्व हो गया। तो चौथे सवाल में क्या है जी, अब गौर करें, बुक के ऊपर लिखा हुआ है, ये हमारे पास आ गया कि अगर हम ए में जमा कर देंगे बी जमा ए को, ठीक है, तो ये बराबर आएगा अगर हम दो ए कर दें और जमा बी कर दें। ये भी एक कानून है जी, एक रूल है कालबों में, एक खासियत है ये। तो आपको पता है कि हमने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है और वो क्या है कि पहले हमें बी जमा ए करना है। तो मैंने पहले बी जमा ए करना है, पहले मैं यहां पे जनाब बी लिखूंगा, तो बी नजर आ रहा है मुझे, वन माइनस वन वन, टू माइनस टू टू एंड थ्री वन थ्री, ये मेरे पास है बी। जमा करना है इसको मैंने ए में, तो ए में जमा कर देते हैं, वन टू थ्री एंड टू थ्री वन एंड वन माइनस वन जीरो। एंड आई होप आपने इसको जमा किया है पहले, तो मैं इसको ऐसे ही फौरन जमा करके जवाब लेके आ रहा हूं जी, जरा मैथमेटिकल स्किल्स मेरी फास्ट हैं तो मैं ऐसे ही कर लूंगा आई होप। तो देखते हैं, ये वन जमा वन यहां टू लगा दिया मैंने, ये माइनस वन जमा टू तो यहां जमा वन आना है, फिर वन जमा थ्री यहां मैंने फोर लगा दिया, टू जमा टू यहां फोर आना है, ये माइनस टू जमा थ्री है तो वन आना है, टू जमा वन थ्री आना है, थ्री जमा वन फोर आना है, वन जमा माइनस वन कैंसिल होने हैं और थ्री जमा जीरो थ्री ही आना है। देखिए मैंने बड़ी स्पीड में ये जमा करके सॉल्व कर लिया। अब हम इसमें ए जमा कर बी जमा ए हो गया ना ये, अब हमने इसमें क्या करना है, ए को जमा करना है। तो हम लिखते हैं यहां पे ए जमा ये वाला आगे कॉलम, दो एक चार, चार एक तीन, चार जीरो तीन। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब ए में क्या है, दोबारा वही जो ए में है वो लिखेंगे हम, तो वो क्या है, एक दो तीन, दो तीन एक, एक माइनस एक और जीरो। जमा करेंगे दो एक चार, चार एक तीन और चार जीरो तीन। अच्छा मैं डायरेक्ट यहां जमा कर देता हूं, देखें कैसे, क्योंकि इसमें इतने माइनस नहीं है, आराम से हो जाएगा। एक जमा दो क्या हो गया यहां, तीन, फिर आगे दो जमा एक कितना हुआ, फिर तीन, फिर आगे तीन जमा चार कितना हुआ, सात, ठीक है, फिर दो जमा चार कितना हुआ, छः, फिर तीन जमा एक कितना हुआ, चार, फिर एक जमा तीन कितना हुआ, चार, फिर एक जमा चार कितना हुआ, पांच, फिर माइनस एक जमा सिफर तो माइनस एक ही रहना है और सिफर जमा तीन तो तीन ही रहना है। ये मेरे पास अभी लेफ्ट हैंड साइड आई है। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे मैं राइट हैंड साइड ले रहा हूं जी, जहरा मैंने अब मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, टू ए करना है मैंने, तो आए टू लिखते हैं, आगे ए लिखते हैं। ए मेरे पास जो है वो वन टू थ्री एंड टू थ्री वन एंड वन माइनस वन जीरो। सॉल्व कर दें, दो एक बार दो आना है, दो दो बार चार, तीन दो बार छः, दो बार चार, तीन दो बार छः, दो एक बार दो, एक दो बार दो माइनस एक दो बार माइनस दो और दो जीरो जीरो, क्योंकि जीरो उसको जीरो कर देता है, ठीक है। इसमें जमा बी कर देते हैं जी, आगे बी में क्या है, आपको पता, वन माइनस वन वन है, फिर आगे टू माइनस टू टू है, फिर आगे थ्री वन थ्री है। चूंकि माइनस वाले ज्यादा है, चाहे तो वो स्टेप कर लें, लेकिन मैं ऐसे ही रिस्क ले रहा हूं, करता हूं, दो जमा एक तीन आना है, ठीक है, चार जमा माइनस एक फिर तीन आना है, छः जमा एक सात आना है, ओके, चार जमा दो छः आना है। अच्छा छः जमा जरा माइनस दो, तो ये माइनस दो हुआ, ये जमा छः तो चार आना है डेफिनेटली। अच्छा दो जमा दो कितना आना है, चार आना है। अच्छा दो जमा तीन कितना आना है, पांच आना है। माइनस दो जमा एक, तो सारी बात है, माइनस दो है जमा एक है तो माइनस एक आना है, और सिफर जमा तीन तीन ही आना है। तो बिल्कुल ठीक है जी, मैंने स्पीड में किया, और गौर करें आप, ये इक्वल है दोनों,
लिहाजा साबित हुआ कि अगर ए को हम जमा करें बी जमा ए के साथ तो ये बराबर आएगा दो ए, अगर हम कर लें बाद में उसको बी में जमा कर लें। तो ये है हमारे पास चौथी जूस जो के साल हो गई। फाइव वाला रूल, तो उसमें क्या है कि अगर हम सी में से माइनस करें बी को, पहले ये काम करें ठीक है, फिर हम माइनस ए करें, तो ये बराबर आएगा किसके, अगर हम सी में से माइनस ए करें फिर बाद में हम उसमें से माइनस बी कर दें। ये भी एक रूल है जी, आए इस रूल को अब हम वेरीफाई कर देते हैं। तो पहले हमने सी माइनस बी करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड सी माइनस बी, चले सी लिखते हैं पहले, सी में क्या है माइनस वन जीरो जीरो और जीरो माइनस टू थ्री एंड वन वन टू, ये हमारा एक मैट्रिक्स है। माइनस करेंगे बी को और बी में क्या है वन माइनस वन वन और टू माइनस टू टू एंड थ्री वन थ्री, तो ये माइनस वाले हैं, थोड़े मुश्किल होंगे जी ये माइनस वाले, लिहाजा ये मैं डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर रहा, आए समझाता हूं आपको। माइनस वन माइनस करेंगे एक के साथ ठीक है, जीरो माइनस माइनस वन ओके, फिर जीरो माइनस वन, फिर जीरो माइनस टू, फिर माइनस टू माइनस माइनस टू, ये गौर करें जरा जी, ये माइनस टू था मैंने माइनस लिखा फिर आगे माइनस टू आना है, तो फिर ये थ्री माइनस टू, फिर वन माइनस थ्री, फिर वन माइनस वन, फिर टू माइनस थ्री। अभी हमने माइनस यूज किया और मनफी तफरीक लिखा जी, चले सॉल्व करें, माइनस टू आना है आपको पता है क्योंकि अलामतें सेम हैं, अदाद जमा होंगे और अलामत जो बड़े के साथ है, तो दोनों बराबर है, जो मर्जी मर्जी लगा दें जी। माइनस माइनस जमा होता है, यहां जमा एक आ गया, ये माइनस एक आना है, ये माइनस टू आना है, इसको सॉल्व करें माइनस जरब माइनस जमा, तो माइनस दो जमा दो जीरो आना है और तीन माइनस दो एक आना है और एक माइनस तीन माइनस दो आना है, यहां भी जीरो आना है और दो माइनस तीन माइनस एक आना है, ये मेरे पास अभी तक निकला जी। इसको हमने माइनस ए कर देना है, माइनस ए मैं डायरेक्ट यहां ए लिख रहा हूं, ए मेरे पास है वन टू थ्री और टू थ्री वन एंड वन माइनस वन जीरो। अच्छा अब माइनस होना है चूंकि, तो क्या करूंगा मैं माइनस टू माइनस वन ठीक है, फिर वन माइनस टू, फिर माइनस वन माइनस थ्री, फिर माइनस टू माइनस टू, फिर जीरो माइनस थ्री, फिर वन माइनस वन, फिर माइनस टू माइनस वन जीरो माइनस माइनस वन ओके, माइनस वन माइनस जीरो। चलें सॉल्व करें, यहां इसका जवाब आएगा ये माइनस तीन आना है, फिर माइनस वन आना है, फिर माइनस चार आना है। अलामतें आपको रूल याद है, अलामतें सेम है, अदाद जमा होंगे, अलामत जो बड़े के साथ। माइनस टू माइनस टू माइनस फोर होता है, माइनस थ्री है, ये जीरो आएगा कैंसिल हो जाएंगे, माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री है, यहां जमा वन आना है तो मैं जमा नहीं लिख रहा, तो माइनस वन और जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती जी, माइनस वन ही आना है। ये मेरे पास अभी लेफ्ट हैंड साइड आई है, अब आए चेक करते हैं कि क्या हमारी राइट हैंड साइड भी इस तरह आती है कि नहीं आती। अगर नहीं आती तो हमें दोबारा चेक करना पड़ेगा, और अगर आ जाती है सो वी विल बी हैप्पी। अच्छा जी, तो अगर यहां थोड़ा सा वैसे कर लूं अब कि सी माइनस बी था ब्रैकेट में और माइनस ए कर लूं तो थोड़ा बेहतर हो जाएगा, ताकि ये मेंशन हो जाएगा यहां पे। चलें जी, पहले हम क्या करेंगे, हम सी माइनस ए करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं, सी लिखते हैं, सी ऑलरेडी यहां पे है माइनस वन जीरो जीरो और जीरो माइनस टू थ्री वन वन टू, ये मेरे पास आ गया जी सी। माइनस अब करना है हमने आगे ए को ओके, अब ए में क्या है, ए में मेरे पास है वन टू थ्री और टू थ्री वन और वन माइनस वन जीरो,
ये मेरे पास है ए में जी। इसको सॉल्व करते हैं जो कि माइनस है, तो क्या करेंगे इसको, माइनस वन ठीक है, जीरो माइनस टू, जीरो माइनस थ्री, जीरो माइनस टू, फिर माइनस टू माइनस थ्री, फिर थ्री माइनस वन, फिर वन माइनस वन, फिर वन माइनस माइनस वन ओके, और टू माइनस जीरो। ये जहां मेरा पहला सवाल हुआ, अब आए इसको यहां पे लिख लेते हैं। माइनस वन आपको पता है माइनस टू आना है, यहां भी माइनस टू आना है, यहां माइनस थ्री आना है, ये माइनस टू ही रहना है, ये माइनस फाइव बन जाना है, क्योंकि आपको पता है कि दोनों माइनस टू माइनस थ्री है, अलामतें सेम हैं, अदाद जमा होंगे, अलामत जो बड़े के साथ है वो तीन के साथ थी, तो यहां पे आना है दो, क्योंकि तीन में से माइनस एक क्या, तो दो आना है, ये कैंसिल होने हैं, जीरो आना है, यहाँ पे एक मनफी जरा मनफी जमा होता है, तो एक जमा एक दो होता है, और दो माइनस जीरो दो ही रहना है ठीक है, ये मेरे पास बन गया। अरे यहां मैं लिख लेता हूं आपके सी माइनस ए तो आ गया है, अब इसमें से मैंने अब माइनस बी कर देना है, तो मैं यहां माइनस लिख के आगे बी लिख रहा हूं जी, और बी में है वन माइनस वन वन, टू माइनस टू टू, और थ्री वन थ्री ओके। चलिए जी सॉल्व करते हैं, माइनस है तो मैं लिख ही लेता हूं, माइनस टू माइनस वन, फिर माइनस टू माइनस माइनस वन ओके। अच्छा उसके बाद ही माइनस थ्री, माइनस थ्री माइनस वन, चले जी अब माइनस टू आ गया, माइनस टू माइनस ये टू आना है ये वाला, और ये माइनस फाइव है, माइनस फाइव माइनस माइनस टू ठीक है, और ये टू है, ये टू माइनस टू, ये जीरो है, जीरो माइनस थ्री, फिर टू माइनस वन, फिर टू माइनस थ्री। चले जी ये हुआ, इसको जरा सॉल्व कीजिएगा, इसको जरा सॉल्व कीजिएगा, ये माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री आना है, आपको पता है ये मनफी मनफी जमा होता है, तो मनफी दो जमा एक मनफी एक आना है, मनफी तीन मनफी एक मनफी चार आना है, यहां पे मनफी चार आना है, यहां मनफी से मनफी जमा मनफी पांच जमा दो मनफी तीन आना है, फिर ये कैंसिल होने, तो यहां जीरो आना है, माइनस तीन आना है, यहाँ दो में से एक गया एक आना है, और यहाँ दो में से माइनस तीन तो माइनस एक आना है जी। तो गौर करें दोनों इक्वल आ गए हैं, अगर इक्वल आ गए हैं इट मींस कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई है। यूज नंबर छह में देखें, हमारे पास दो ए है जमा बी है, तो मैंने यहाँ पे दो ए लिखा जी, अब मैंने आगे ए लिख देना है, ए मेरे पास है वन टू थ्री एंड टू थ्री वन एंड वन माइनस वन जीरो, तो अब मैं इसको आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ, टू वन जा टू आना है, टू टू जा फोर आना है, तीन दो बार छः होता है, दो दो बार चार होता है, तीन दो बार फिर छः है, दो एक बार दो है, एक दो बार दो है, और ये माइनस दो है, और दो जीरो जीरो है, ये मेरे पास दो ए आ गया। जो हम बी कर देते हैं साथ, बी में हमारे पास लिखा हुआ है वन माइनस वन वन, और फिर है टू सॉरी टू माइनस टू टू, और थ्री वन थ्री, ये मेरे पास आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, जमा करना है, मैं डायरेक्ट जमा कर रहा हूं जी, दो जमा एक हो गया मेरे पास यहाँ तीन, फिर चार जमा माइनस एक, तो चार में से एक गया बाकी तीन, छह जमा एक सात, चार जमा दो छः, छः माइनस दो चार, दो जमा दो चार ठीक है, फिर दो जमा तीन पाँच, फिर माइनस दो जमा एक माइनस एक, और जीरो जमा तीन तीन। लेकिन बड़ी स्पीड से सॉल्व कर लिया है, और यहाँ पे ये दो ए था, तो ये दो ए जमा बी था, ये मेरे पास अभी दो ए जमा बी आ गया। अब मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, आपको पता है राइट हैंड साइड मैंने लेनी है, और वहां मैंने पहले ए जमा बी करना है, तो मैंने ए जमा बी यहां लिखा, अब मैं यहां बराबर लिखता हूं और ए जमा बी करता हूं। ए मेरे पास वन टू थ्री है, टू थ्री वन है, एंड वन माइनस वन जीरो है, ये मेरे पास ए में है जी। जमा बी करेंगे तो बी में है वन माइनस वन वन, फिर टू माइनस टू टू, फिर थ्री वन थ्री, इनको मैं जमा कर रहा हूँ, डायरेक्ट जमा कर रहा हूँ जी मैं,
अब एक एक दो होता है, दो और माइनस एक एक होता है, तीन जमा एक चार होता है, दो जमा दो चार है, तीन जमा माइनस दो एक आना है, एक जमा दो तीन आना है, एक जमा तीन चार आना है, माइनस एक जमा एक जीरो आना है, जीरो जमा तीन तीन आना है। इसको अब मैंने क्या करना है जी, ये ए जमा बी जो आ चुका है इसमें जमा मैंने ये कर देना है, ठीक है ना। तो ए मैंने अब इधर चुके लिखना है, गौर करें ये ए जमा बी है, और ऊपर गौर करें आप ए जमा बी के इधर लेफ्ट पे ए आना है, तो मैंने यहाँ पे ए लिखना है। अब ए मेरे पास आना है वन टू थ्री, टू थ्री वन, वन माइनस वन जीरो, ये ए है, इसमें मैंने जमा करना है अब ये वाला, ये मेरे पास है जमा बी, तो ये टू वन फोर और फोर वन थ्री और फोर जीरो थ्री, इसको अब साफ कर लेते हैं। देखें एक जमा दो तीन आना है, आपको पता है तीन जमा दो जमा एक तीन आ जाना है, तीन जमा चार सात आ जाना है, दो जमा चार छः आ जाना है, तीन जमा एक चार आ जाना है, एक जमा तीन चार आ जाना है, एक जमा चार पांच आ जाना है, माइनस एक जमा सिफर आपको माइनस एक ही आना है, और सिफर जमा तीन तीन आ जाना है। तो आप देख लें कि लिहाजा बस बस साबित हुआ कि जो हमारा दो ए जमा बी था ये इक्वल आएगा ए जमा इनटू ए जमा बी के, ठीक है ना। ये मैंने ये क्या निकाला हुआ है, ये मैंने निकाला हुआ है ए जमा बी, और ये क्या है, ये ए जमा इनटू ए जमा बी है। बात समझ रहे ना आप, थोड़ा शार्ट किया है लेकिन आपको इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। ये दो ए है और इसमें जमा क्या किया मैंने, ये बी, तो फिर ये मेरे पास क्या आंसर आया, ये वाला आंसर आया। तो इस तरह से आप चाहे तो बराबर के ये चीजें आप इस तरफ भी लिख सकते हैं, जगह अगर ज्यादा आपके पास अवेलेबल है तो ये चीजें इधर लिख सकते हैं, ऊपर लिख सकते हैं, ऐसे भी आप सॉल्व कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हमारा छठी जुज भी हमारी सॉल्व हो गई। अब हम चल रहे हैं सातवीं जुज पे। सातवीं जुज में क्या है जी, लिखा हुआ है कि सी माइनस बी इंटू माइनस ए, ठीक है, ये इक्वल होगा अगर हम सी माइनस ए कर दें और फिर हम उसमें माइनस बी कर दें। करके देखते हैं जी, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, पहले सी माइनस बी को लेंगे, तो सी लिखें यहां पे, सी क्या है, सी है माइनस वन जीरो जीरो और जीरो माइनस टू थ्री और वन वन टू, ये है जी सी। माइनस करना है बी को, बी में क्या है वन माइनस वन वन और टू माइनस टू टू और थ्री वन थ्री, ओके सॉल्व करते हैं। माइनस वन है माइनस वन करेंगे, ठीक है, जीरो माइनस माइनस वन करेंगे, जीरो माइनस वन करेंगे, जीरो माइनस टू करेंगे, माइनस टू माइनस माइनस टू करेंगे, ठीक है, और थ्री माइनस टू करेंगे, फिर वन माइनस थ्री करेंगे, फिर वन माइनस वन करेंगे और टू माइनस थ्री करेंगे। सॉल्व करते हैं जी, आपको पता है माइनस वन माइनस वन माइनस टू हो गया, फिर यहाँ पे जमा वन आ गया, फिर ये माइनस वन आ गया, ये माइनस टू आना है, ये जमा दो है तो यहाँ कैंसिल होने हैं, यहाँ पे एक आना है, यहाँ पे माइनस दो आना है, ये कैंसिल होने हैं, यहाँ माइनस एक आना है, ये मेरे पास अभी सी माइनस बी निकला। अब सी माइनस बी तो निकाल दिया है, ठीक है, ब्रैकेट, अब इसमें से माइनस ए कर देते हैं, माइनस ए कर दें आगे, ए में है जी वन टू थ्री और टू थ्री वन और वन माइनस वन जीरो। चलें जी मैं अमल कर ही रहा हूं साथ में, माइनस है कहीं गलती लग जाए, माइनस टू माइनस वन, फिर वन माइनस टू, फिर माइनस वन माइनस थ्री, अच्छा फिर माइनस टू
माइनस टू, फिर जीरो माइनस थ्री, फिर वन माइनस वन, फिर माइनस टू माइनस वन, फिर जीरो माइनस माइनस वन, ठीक है, फिर माइनस वन माइनस जीरो। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे क्या इसका आंसर आ रहा है, देखिए माइनस थ्री आना है, फिर ये माइनस वन आना है, फिर ये माइनस फोर आना है, फिर ये माइनस फोर आना है, फिर ये माइनस थ्री आना है, ये कैंसिल होना है, ये माइनस थ्री आना है, ये प्लस वन आना है और ये माइनस वन आना है। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। अब हम यहां पे क्या लिखेंगे, चूंकि राइट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड क्या है, सी माइनस ए पहले सॉल्व करना है। चलें जी पहले सी लिख लेते हैं, सी में है माइनस वन जीरो जीरो, जीरो माइनस टू थ्री, वन वन टू, ये मेरे पास सी आया। माइनस में लिख रहा हूं आगे ए को, और ए में है वन टू थ्री, फिर टू थ्री वन, ठीक है, वन माइनस वन जीरो। सॉल्व करते हैं, माइनस है चूंकि तो ये अमल कर लेते हैं, माइनस वन माइनस वन, फिर जीरो माइनस टू, फिर जीरो माइनस थ्री, फिर जीरो माइनस टू, फिर माइनस टू माइनस थ्री, फिर थ्री माइनस वन, फिर वन माइनस वन, फिर वन माइनस माइनस वन, ओके, फिर टू माइनस जीरो। मेरा दिमाग तेज हो ही रहा है, आई थिंक आप लोगों का भी दिमाग तेज हो रहा होगा देख के, तो कोई बात नहीं, आपने एफर्ट करनी है, ये साइंस की गेम है सारी, बार बार करेंगे बार बार करेंगे तो आपका माइंड शार्प होगा। माइनस टू आ गया जी, यहाँ माइनस टू आ गया, माइनस थ्री आ गया, ओके, माइनस टू आना है, ये माइनस फाइव आना है, ये टू आना है, क्योंकि जमा तीन है, माइनस एक है, जमा दो आना है, ये जीरो आना है, ये एक माइनस माइनस जमा होता है, तो यहाँ दो आना है और यहाँ भी दो ही आना है, ये हो गया। चले इसमें से माइनस बी करना है हमने, तो माइनस बी कर देते हैं आगे, तो बी में है जी वन माइनस वन वन, टू माइनस टू टू, और थ्री वन थ्री। ओके लेट मी ट्राई कि मैं इसको ऐसे ही सॉल्व करके देखूं क्या होता है। माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री आना है जी, ठीक है, माइनस टू माइनस माइनस वन, तो ये माइनस माइनस जमा हो गया, तो माइनस टू जमा एक माइनस एक आना है, ओके, माइनस तीन और माइनस एक, जाहिर बात है माइनस चार आना है, माइनस टू और माइनस टू माइनस चार आना है, ठीक है, माइनस पांच और माइनस माइनस टू, अब ये माइनस माइनस जमा हो गया, तो माइनस पांच और जमा दो क्या होता है, माइनस तीन, ठीक है, और दो माइनस दो, जमा दो माइनस दो, डेफिनेटली जीरो आना है, ठीक है, जीरो माइनस तीन ही आना है, और दो माइनस एक क्या आना है, एक आना है, क्योंकि दो माइनस एक है ना, तो माइनस एक आ जाएंगे, एक रह जाएगा, दो माइनस तीन माइनस एक आना है, ओके, बड़े के साथ माइनस है ना, माइनस एक, तो गौर करें जरा, ये बराबर नहीं आ गए, बराबर ही आ गए, तो बस जो सवाल था वही लिखने, अब यहाँ पे कि सी माइनस बी ब्रैकेट में सॉल्व करके बाद में माइनस ए करें, तो ये बराबर होगा अगर हम सी माइनस ए करके ब्रैकेट में, तो बाद में उसको माइनस बी करें, तो ये हमारी साथ ही जल्दी मुकम्मल होगी। आठवें सवाल में जनाब आ रहा है, ये जो हमारी हमारा रूल है, ये है ए प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी इक्वल होगा ए प्लस बी प्लस सी। यहां ब्रैकेट पहले ए प्लस बी के दिगिर थी, अब बी प्लस सी के दिगिर लानी है, इसे हम खासियत तलाजम भी कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ इन एडिशन, ठीक है, तो ए प्लस बी पहले करेंगे, तो मैंने यहां पे क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड ली है और ए प्लस बी किया है, ये तो बड़ी जल्दी कर लूंगा मैं, क्या ख्याल है जी, तो अब तो मैं रकमें भी ना लिखूं तो कोई मसला, लेकिन लिखनी है, अमल करना है, वन टू थ्री, ठीक है, और टू थ्री वन, और वन माइनस वन जीरो, ये हो गया ए, जमा करेंगे बी में, बी है वन माइनस वन वन, टू माइनस टू टू, और थ्री वन थ्री, ठीक हो गया। चले अब मैं डायरेक्ट जो आप लेके आऊंगा, एक जमा एक दो, दो जमा एक माइनस एक, तो दो जमा माइनस हो गया, दो माइनस एक, एक,
तीन जमा एक चार, दो जमा दो चार, तीन जमा माइनस दो तो माइनस दो हो गया तो एक, तो जमा तीन है ना माइनस दो है तो जमा एक आ जाएगा, एक जमा दो तीन, एक जमा तीन चार, माइनस एक जमा एक जीरो, जीरो जमा तीन तीन, ये मैंने बड़ी जल्दी से जवाब ले आया हूं। अब जमा सी कर देते हैं, तो ये ए जमा बी किया मैंने, अब जमा मैंने यहां सी कर दिया, अब सी में क्या है, सी में है माइनस वन जीरो जीरो जीरो, माइनस टू थ्री एंड वन वन टू, ये भी मैं यहां फोन कर दूंगा जो आप इसका देखें, दो जमा माइनस एक एक आना है, एक जमा सिफर एक आना है, चार जमा सिफर चार ही आना है, चार जमा सिफर चार ही आना है, एक जमा माइनस दो तो ये माइनस दो है जमा एक है तो माइनस एक आना है, तीन जमा तीन छ आना है, चार जमा एक पांच आना है, सिफर जमा एक एक ही आना है और तीन जमा दो पांच आ जाना है। ये जना मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड मुकम्मल हुई। अब आए लेते हैं राइट हैंड साइड, इसमें पहले बी जमा सी करना है, देखें बी जमा सी पहले करना है बाद में उसको हम जमा ए करेंगे, तो बी पहले लिख रहा हूं मैं यहां, बी मेरे पास है वन माइनस वन वन, टू माइनस टू टू एंड थ्री वन थ्री, ये मेरे पास बी है, जमा करूंगा सी के साथ, सी में है माइनस वन जीरो जीरो, जीरो माइनस टू थ्री एंड वन वन टू, चलिए जमा करते हैं, देखें बड़ा इजी है, क्या करेंगे आप, अब मैं यहां जगह खाली छोड़ रहा हूं, मैं यहां जमा बाद में ए लिखना है, यहां मैं इसका जवाब लेके आऊंगा, तो एक जमा माइनस एक डेफिनेटली सिफर आना है क्योंकि एक माइनस एक जो हो गया सिफर आ गया, माइनस एक जमा सिफर माइनस एक आना है, ठीक है, और एक जमा सिफर एक ही आना है, ओके, दो जमा सिफर दो आना है, माइनस दो जमा माइनस दो, माइनस दो माइनस दो माइनस चार आना है, क्योंकि जमा जमा माइनस रहता है ना, तो दो जमा तीन पांच आना है, और तीन जमा एक चार आना है, और एक जमा एक दो आना है, और तीन जमा दो पांच आना है, ये जनाब आया मेरे पास क्या, ये आया है बी जमा सी, और इसमें हम अब जमा करेंगे किसको, ए को, ये हम ए लिख रहा हूं, वन टू थ्री, टू थ्री वन, वन जीरो वन माइनस वन जीरो, ये देखें मैंने जमा लिख दिया, सॉल्व करता हूं, देखें जी एक जमा सिफर एक ही आना है आपको पता है, दो जमा माइनस एक तो दो में से एक गया तो एक ही आना है आपको पता है, तीन जमा एक चार आना है, ठीक है, दो जमा दो चार आना है, तीन जमा माइनस चार, देखें ये माइनस चार हो गया, जमा तीन है तो माइनस एक आना है, एक जमा पांच छ आना है, ठीक है, एक जमा चार पांच आना है, माइनस एक जमा दो है माइनस एक है तो जमा एक ही आना है भाई, सिफर जमा पांच पांच आना है, तो गौर करें जरा क्या हुआ, ये पास साबित हो गया, ठीक है, पास साबित क्या हुआ है कि ए जमा बी जो है अगर हम इन्हें पहले जमा कर लें बाद में जमा सी करें ये बराबर आएगा, अगर हम ए को बाद में जमा करें पहले अगर हम बी जमा सी जमा कर लें, सो इसे हम कहते हैं खासियत तलाजम, ये तलाजम की खासियत है बिलहाज जमा। जी स्टूडेंट्स, तो नामी जूस सॉल्व करते हैं, आप अपनी बुक के ऊपर देखें वहां पे लिखा नजर आ रहा है हमें कि ए प्लस इंटू बी माइनस सी, अगर इस तरह से होगा ये इक्वल होगा अगर हम ए माइनस सी कर लेते हैं और बाद में जमा बी कर लेते हैं, तो आए आपको पता है टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो अब हम यहां पे ए का कॉलम लिखने से पहले गौर करें ये ब्रैकेट में बी माइनस सी है, सो फर्स्ट हम बी माइनस सी को सॉल्व करेंगे, तो पहले बी को ले लेते हैं, बी में है वन माइनस वन वन एंड टू माइनस टू टू एंड थ्री वन थ्री, माइनस सी करना है इसको में इसमें से हमने, और सी में है माइनस वन जीरो जीरो, जीरो माइनस टू थ्री एंड वन वन टू, मैं डायरेक्ट इसको माइनस कर रहा हूं जी, तो मैंने यहां पे
आपको पता है वन माइनस इंटू माइनस वन, ये जमा हो जाना है, तो वन जमा वन क्या हुआ, यहां मैंने टू लिख लिया। इसके बाद माइनस वन है और जीरो तो आपको पता है कोई अमल नहीं इसका होता, तो ये वन ही रहेगा। टू माइनस टू भी रहना है, इसको ऐसे रखेंगे हम, तो ये माइनस टू माइनस इंटू माइनस टू जमा हो गया, तो यहां जीरो आना है क्योंकि ये माइनस टू जमा टू आपस में कैंसिल होगा, और थ्री टू माइनस थ्री में से माइनस वन आ जाना है, थ्री माइनस वन टू आ जाना है, वन माइनस वन ये जीरो आ जाना है, और थ्री माइनस टू वन आ जाना है। ये अब इसमें हमने ए जमा करना है जी, ठीक है, तो लिख रहा हूं मैं ए जमा इंटू बी माइनस सी, यहां मैं ए लिख लेता हूं। ए मेरे पास है वन टू थ्री एंड टू थ्री वन, यह मैंने ए रखा हुआ है जी सामने अपने, और वन माइनस वन जीरो, इसको जमा करना है अब इसमें। देखिए मैंने बड़ा शॉर्ट कर लिया है, अगर आप स्टेप बढ़ा लेंगे तो ये जरा लंबा हो जाएगा। अब जमा भी मैं शॉर्ट में ही कर रहा हूं, देखिए वन जमा टू मैंने यहां थ्री लिखा, टू जमा माइनस वन हो जाना है, दो में से माइनस एक हुआ तो एक रह जाना है, तीन जमा एक चार होना है, दो जमा दो चार होना है, तीन जमा सिफर तीन ही रहना है, एक जमा माइनस एक तो एक माइनस एक जीरो हो जाना है, एक जमा दो यहां तीन होना है, माइनस एक जमा जीरो माइनस एक रहना है, और जीरो जमा एक एक हो जाना है। ये मेरे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब मैं यहां ले रहा हूं राइट हैंड साइड टेकिंग, यहां मैंने पहले क्या करना है, मैंने पहले यहां पे ए माइनस सी सॉल्व करना है, जैसे मुझे यहां नजर आ रहा है, तो ए लिखते हैं जी, ए में है वन टू थ्री, टू थ्री वन, वन माइनस वन जीरो, माइनस सी कर रहे हैं आगे, माइनस वन जीरो जीरो, जीरो माइनस टू थ्री, वन वन टू, ओके। चले इसको सॉल्व करो, माइनस मैं डट करूंगा, एक माइनस माइनस एक जमा एक हो गया, एक और एक दो हो गया जी, दो माइनस जीरो दो ही रहना है, तीन माइनस जीरो तीन ही रहना है, दो माइनस जीरो दो रहना है, तीन माइनस इंटू माइनस थी दो, तो माइनस इंटू माइनस जमा हो गया, तो तीन जमा दो हुआ तो ये पांच हो गया, एक माइनस तीन माइनस दो हुआ, एक माइनस एक जीरो हुआ, माइनस एक माइनस एक माइनस दो हुआ, जीरो माइनस टू हुआ, ओके। इसमें जमा कर रहा हूं मैं बी को, वो लिख लेंगे ए माइनस सी जमा बी, बी में है वन माइनस वन वन एंड टू माइनस टू टू एंड थ्री वन थ्री, सॉल्व करें, जमा करें, सिंपल मैं डिडक्ट कर दूंगा, दो जमा एक तीन होता है, दो जमा माइनस एक, दो माइनस एक हो गया तो ये एक होता है, तीन जमा एक चार होता है, दो जमा दो चार होता है, पांच जमा माइनस दो यानी पांच माइनस दो तीन होता है, माइनस दो जमा दो कैंसिल होता है, जीरो जमा तीन तीन रहना है, माइनस दो जमा एक माइनस एक होता है, और माइनस दो जमा तीन जमा एक होता है जी। साइड बराबर आ गई हैं, बस साबित हुआ कि अगर हम ए जमा करें टू बी माइनस सी तो ये इक्वल होगा हमारा, अगर हम ए माइनस सी करके बाद में उसको जमा बी कर लें। टेंथ वाली यूज करते हैं, टू ए प्लस टू बी, अगर हम ये करें तो हम ये भी कर सकते हैं कि टू इंटू ए प्लस बी दोनों इक्वल होंगे। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड क्या करेंगे जी, टू ए
तो मैंने यहां 2 लिखा, आगे मैंने a लिखना है। a में है 1, 2, 3, 2, 3, 1, 1 माइनस 1, 0। सॉल्व कर देते हैं इसको, 2 एक बार 2 आना है, 2 2 बार 4, 3 2 बार 6, 2 2 बार 4, 3 2 बार 6, फिर 2 एक बार 2, फिर 2 एक बार 2, माइनस 2, 2 0 0। ये 2 ए आ गया है, अब मैं 2 बी निकाल रहा हूं जी, तो 2 आगे मैं बी लिख रहा हूं, तो बी में मेरे पास है 1 माइनस 1 1 और 2 माइनस 2 2 और 3 1 3। सॉल्व कर रहा हूं, 2 एक बार 2 होना है, 2 एक बार माइनस 2 होना है, 2 एक बार 2 होना है, 2 2 बार 4 होना है, माइनस 2 2 बार 4 होना है, 2 2 बार 4 है, 3 2 बार 6 है, 2 एक बार 2 है, 3 2 बार 6 है। ये हो गया जी सॉल्व, दोनों को मैंने जमा करना है जी, मैं यहां जमा कर देता हूं, इधर ही मैं जमा आगे डाल देता हूं 2 ए को, तो ऐसे लिख देता हूं मैं 2 बी जमा 2 ए। अब 2 ए जो आया था वो क्या था, वो था 2 4 6, 4 6 2, 2 माइनस 2 0। सॉल्व करते हैं, इधर ही फौरन जवाब ले आएंगे, 2 जमा 2 4 होता है, माइनस 2 जमा 4 जमा 2 होता है, 2 जमा 6 8 होता है, 4 जमा 4 भी 8 होता है, माइनस 4 जमा 6 जमा 2 होता है, जमा 4 जमा 2 जमा 6 होता है, 6 जमा 2 8 होता है, 2 जमा माइनस 2, 2 माइनस 2 हो गया कैंसिल होता है, और 6 जमा 0 6 होता है। ये हमारी आ गई जी लेफ्ट हैंड साइड। नाउ चेक करते हैं कि राइट हैंड साइड पे क्या आता है हमारे पास। तो राइट हैंड साइड है, पहले हमने ए जमा बी करना है जी, तो आए करते हैं, पहले भी आई थिंक काफी दफा हमने किया है, लेकिन चले दोबारा करता हूं। 1 2 3, 2 3 1, 1 माइनस 1 0, जमा करेंगे बी में, बी में है 1 माइनस 1 1 एंड 2 माइनस 2 2 एंड 3 1 3। नाउ जमा कर दीजिएगा, 1 जमा 1 2 होता है, 2 जमा माइनस 1 1 होता है, क्योंकि 2 में से 1 को माइनस करना है, 3 जमा 1 4 होता है, 2 जमा 2 4, 3 जमा माइनस 2 यानी 3 माइनस 2 1, 1 जमा 2 3, 1 जमा 3 4, माइनस 1 जमा 1 0 एंड 0 जमा 3 3। ये हमारा हो गया a जमा b। अब हमने क्या करना है कि 2 से मल्टीप्लाई करना है इसको, 2 इंटू a जमा b, मेरे पास यहां जगह है तो मैं ये स्टेप कर लेता हूं, 2 लिखा और आगे मैंने यहां 2 1 4, 4 1 3 और 4 0 3 लिखा। सॉल्व कर देते हैं इसको जी, 2 2 बार 4 होना है, आपको पता है 2 1 बार 2 होता है, 4 2 बार 8 होता है, 4 2 बार 8 होता है, 2 1 बार 2 होता है, 3 2 बार 6, 4 2 बार 8, 2 0 0, 3 2 बार 6 जी। और करें, 4 2 8, 4 2 8, 8 2 6, 8 2 6 और 8 0 6, 8 0 6। बस साबित क्या हो गया कि 2 a जमा 2 b कर लें या 2 इंटू ए जमा बी कर लें, एक ही बात है। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर जो 5 था ये सॉल्व हो गया जी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 लिखा गया, अगर ए हमारे पास हो, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ए की हमारे पास मैट्रिक्स की वैल्यू दी गई है, बी की वैल्यू दी गई है, और कहा गया है कि आप फाइंड करें, ये दो क्वेश्चन है, आए इसको सॉल्व करते हैं। तो ए का मैट्रिक्स जो है वो मैं लिख रहा हूं, ये है जी 1 माइनस 2 एंड 3 एंड 4, ये हमारा ए का मैट्रिक्स है। फिर आगे बी का मैट्रिक्स दिया गया और बी में दिया गया 0 7
एंड माइनस थ्री एंड एट, और कहा गया कि नंबर वन आप सॉल्व करें कि आपने थ्री ए माइनस टू बी सॉल्व करना है। सो इट्स वेरी सिंपल, कर लेते हैं। यहां लिखते हैं जी थ्री ए, हम थ्री लिखेंगे और आगे ए का हम मैट्रिक्स लिखते हैं, वन माइनस टू थ्री एंड फोर सॉल्व कर देते हैं। ये हमारा आ जाएगा तीन एक बार तीन, तीन दो बार माइनस छ, तीन तीन बार नौ, तीन चार बार बारह, ये हमारा ए मैट्रिक्स बन गया, ठीक है, थ्री ए। अब हमने टू बी निकालना है जी, तो टू बी निकाल लेते हैं। टू बी कैसे निकलेगा, टू लिखें आगे बी मैट्रिक्स लिखें, बी में हमारे पास है जीरो सेवन माइनस थ्री एंड एट, ओके सॉल्व कर देते हैं। दो जीरो जीरो है, सात दो बार चौदह है, तीन दो बार माइनस छह आना है और आठ दो बार सोलह आना है, ये हमारे पास निकला है दोनों जी, ओके। अब हम क्या करने जा रहे हैं जी, अब हम थ्री ए माइनस टू बी करने जा रहे हैं, तो यहां सॉल्व करते हैं। थ्री ए में हमारे पास क्या आया है, ये आया थ्री माइनस सिक्स एंड नाइन एंड ट्वेल्व। अब इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे टू बी को, और टू बी क्या आया है, यह है जीरो फोर्टीन माइनस सिक्स एंड सिक्सटीन। होप इसे सॉल्व कर लेंगे, मैं स्टेप वो छोड़ रहा हूं, डायरेक्ट यहां लिखूंगा। तो देखें तीन माइनस जीरो, आपको पता है तीन ही आना है, इधर चले अभी नीचे जगह नहीं है, मैं यहां इसको इधर लिख लेता हूं, ये जनाब तीन ही आना है। माइनस सिक्स माइनस फोर्टीन, ये माइनस ट्वेंटी आना है, क्योंकि देखिए माइनस छह और माइनस चौदह है, तो दोनों अलामते माइनस की हैं, आधार जमा हो जाएंगे, चौदह और छह बीस होता है और माइनस ही लगेगी, बड़े के साथ माइनस थी। उसके बाद माइनस नौ जमा का है, नौ माइनस माइनस छ, यानी कि नौ जमा छ, तो ये बन जाएगा पंद्रह, और बारह माइनस सोलह आ जाएगा माइनस चार के, ये हमारे पास सेट आ गया जी। कौन सा सेट नहीं, सॉरी कॉलम, कौन सा कॉलम आया, ये मेरे पास आया थ्री ए माइनस टू बी इज इक्वल टू तीन माइनस बीस और पंद्रह माइनस चार, ये तो एक जुज मुकम्मल हो गई इसकी। अब आते हैं दूसरी जुज पे इसी सवाल की, उसमें कहा गया है कि आप 2a का ट्रांसपोज में से माइनस करें 3b का ट्रांसपोज। अब थोड़ी जगह मेरे पास चूंकि यहां है, मैं थोड़ा स्टाइल आपको चेंज करके दिखाता हूं कि हम किस तरह इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2a लिखें और इक्वल डालें, अब आगे 2 लिखें और आगे हम a लिखें, ठीक है। a में हमारे पास जो कॉलम है वो यहां दिया गया है, वो है एक माइनस दो तीन और चार, ठीक है। अब हमें तो ए का ट्रांसपोज चाहिए, ठीक है, हम यहां लिखेंगे ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू। अब ट्रांसपोज क्या होता है कि ये जो रो वाइज है इन्हें हम कॉलम वाइज कर दें, माइनस टू फिर ये थ्री और ये फोर, ये ट्रांसपोज निकल आया। अब यहां लिखे हम टू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू टू, अब आगे ए का ट्रांसपोज लिखें, यानी ये मैं इस तरह चाह रहा हूं, यानी कि लिख के इक्वल सामने लिख रहा हूं उसके मैं, ठीक है। तो वन थ्री माइनस टू एंड फोर, अब देखिए मैं इधर को चाह रहा हूं, चूंकि मैं इधर ही आगे इक्वल लिख दूंगा और इसका सोल्यूशन मैं इसके सामने लिख दूंगा। अगर आपके पास जगह लंबाई में ज्यादा हो, पोर्ट्रेट हो, तो फिर ये स्टाइल अच्छा है, अगर आपके पास लैंडस्केप जगह ज्यादा हो तो फिर ये स्टाइल अच्छा है, दोनों में से जौन सा मर्जी अडॉप्ट करें, ओके। टू वन जा टू एंड टू थ्री जा सिक्स एंड टू टू जा माइनस फोर एंड फोर टू जा एट, सो दिस इज अ मैट्रिक्स टू ए ट्रांसपोज। अब मैं निकालने जा रहा हूं थ्री बी ट्रांसपोज, तो पहले मैं क्या कर लेता हूं, बी का ट्रांसपोज निकाल लेता हूं। तो बी ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, तो बी मेरे पास मौजूद है तो मैं डायरेक्ट यहां ट्रांसपोज ही कर लेता हूं उसका। अगर इस स्टाइल को ही आप फॉलो करना चाहते हैं तो फिर हम इस तरह करेंगे कि यहां पे हम पूरा लिखते हैं थ्री बी ट्रांसपोज, ट्रांसपोज अभी आप ना लिखें,
सिर्फ 3b लिखें इज इक्वल टू 3 में क्या आएगा यहाँ इस तरह, और b में क्या है आगे, b में लिखें 07-38। ओके चलें, अब यहाँ b ट्रांसपोज, ये वही स्टाइल है जो मैंने यहाँ अडॉप्ट किया है। तो ट्रांसपोज निकालने हैं, b मेरे सामने ट्रांसपोज निकालते हैं, ये 07 और -38 ये ट्रांसपोज आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे 3b ट्रांसपोज लिख लेते हैं और सॉल्व कर देते हैं। 3 लिख के आगे ट्रांसपोज क्या है हमारा, 0-3, 7 and 8। दिस इज द मैनेजमेंट ऑफ अ क्वेश्चन। थोड़ी क्वेश्चन की मैनेजमेंट है, यही एग्जामिनर को देखना होता है कि बंदा जो काम कर रहा है वो कितना ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहा है। इट्स अ काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द क्वेश्चन। तो आता आपको कई दफा होता है लेकिन आप उसकी अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं करते तो प्रॉब्लम हो जाती है। इस तरह आप बताएं कि देखें जी 2a था, ये 2a है, इक्वल है दोनों आपस में। अब मुझे a का ट्रांसपोज चाहिए, अब a आपके सामने, यहां से ट्रांसपोज कर लें। अगर ये स्टेप आप ना करना चाहें, डायरेक्ट यहां लिखना चाहें, तो b आप यहां लिखा हो, अगर आपने जैसे मेरे सामने लिखे हुए हैं, जैसे लिखे ना, ये मेरे सामने b लिखा हुआ है, तो मैं डायरेक्ट यहां से b ट्रांसपोज भी निकाल सकता हूं। सो अब यहां पे आप मल्टीप्लाई कर दें तो 300 33 9 एंड 7 3 21 एंड 8 3 24। ओके चले, अब मैं सॉल्व करता हूं। सॉल्व कैसे करूंगा देखें, यहां है 2a ट्रांसपोज, इसमें से माइनस करना है 3b ट्रांसपोज एंड इज इक्वल टू, अब यहां मैं देखें 2a ट्रांसपोज को मैं इधर लिखता हूं, निकाला था कौन सा आया था, ये वाला आया, तो मैंने लिखा 26-48। अच्छा अब ये वाला माइनस इधर, थोड़ा सा आपको समझा दूं कि यहां मैं जो कर रहा था, मैं ऊपर से नीचे चल रहा था, यानी देखें ये मैं ऊपर से नीचे आ रहा था, ये 3 है, ये a है, फिर ये 2 है, ये b है, ये मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूं, लेकिन ये देखें ये 3a है मेरे पास, ये माइनस है और ये 2b है मेरे पास, लेकिन यहां मैं क्या कर रहा हूं, मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं, ये 2a मैंने लिख दिया है, ये माइनस लिखा है, और अब मैं यहां लिखने जा रहा हूं 3b ट्रांसपोज। होप अब आप समझ गए होंगे। तो दीज आर टू प्रेजेंटेशंस ऑफ द क्वेश्चन। तो अब क्या करते हैं, 3b ट्रांसपोज, तो क्या आया मेरे पास, ये आया है, मैंने यहां लिखा जी 0-9-21-24। अच्छा अब अगर आपके पास लैंडस्केप में और जगह है तो यहां इक्वल डाल के आगे सॉल्व करें, और अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, हम यहां नीचे सॉल्व कर लेते हैं। 2-0 दो रहना है, 6-(-9) -9 हो गया, 9 और 6 कितना होता है जी, 15 होता है। ओके, -4-21 ये -25 होगा, 8-24 तो जाहिर बात जो आप माइनस में आना है तो ये 16 आएगा जी, क्योंकि आपने डिजिट तफरीक करने हैं, अलामत उलट है, -8 है, -24 है, -16 इसका जवाब आएगा। तो इस तरह आपने इसको सॉल्व कर लिया है, 2 15-25-16 ये इसका आंसर आ गया जी। छठा क्वेश्चन भी आपने सॉल्व कर लिया। आते हैं सातवें क्वेश्चन पे, 1.3 चल रही है एंड क्वेश्चन नंबर 7 पे हम आ गए। लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास 2 × ये हो, फिर (+3) ये हो और ये इक्वल टू इसके हो, देन फाइंड ए एंड बी निकालें। तो ये इतना मुश्किल नहीं है जी, आए इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं पहले, 2 आगे मेरे पास एक मैट्रिक्स है, जरा पास कर लेता हूं, ये है जी 2-4 and -3a। ओके फिर आगे कहा गया कि (+3) है, ये भी इंटू हो रहा है, 1 यहां बी है और 8 है, -4 है, और ये इक्वल है मेरे पास 7, 10 and 18 and 1, ये मैट्रिक्स। यहां कोई एबीसी नहीं है,
डायरेक्ट मेथड, ये हमारे पास यहाँ मैट्रिक्स हैं, इनको हमने सॉल्व करना है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम उसको आपस में कंपेयर करके तो आंसर निकाल लेंगे। ओके नाउ यहां पे मेरा जो क्वेश्चन है वो है फाइंड ए एंड बी, ये मेरा क्वेश्चन है। चलें जी इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे, ये दो दो बार आपको पता चार होना है, फिर चार दो बार आठ होना है, फिर माइनस तीन दो बार छह होना है, और ये दो ए आ जाना है। खास बात समझे, दो ए आना है, मल्टीप्लाई जो होना उसके साथ। तो प्लस अब इसको भी सॉल्व कर लें, तीन एक बार तीन आना है और तीन बी आ जाना है, आठ तीन बार चौबीस आना है और चार बार माइनस बारह आ जाना है। ओके ये इक्वल होगा सात दस अठारह एक के। चलिए जी सॉल्व करें, चार जमा तीन कितना होगा सात, ठीक है। अब ये क्या है, ये है आठ जमा तीन बी। अब आपने कहना जमा कर दें, आठ और तीन तो होता है हमारे पास ग्यारह, तो ग्यारह बी लिखें, तो नहीं ऐसे नहीं होगा। वजह उसकी ये है कि तीन अकेला नहीं है, इसके साथ बी है। अगर आठ बी होता तो आठ बी जमा तीन बी ग्यारह बी बनना था, आठ डिजिट है और तीन बी वेरिएबल के साथ जुड़ा हुआ है, सो हम इसको आठ जमा तीन बी की शक्ल में लिखेंगे। खास बात, चलें जी माइनस छ है जमा चौबीस है, डेफिनेटली अठारह आना है। कैसे आना है आप देखें, इतना आपको समझा दिया तो अब आपको ये बात आनी चाहिए कि जमा चौबीस है माइनस छ है, अलामतें उलट हैं, तफरीक होंगे, अठारह छह चौबीस होता अठारह आ गया और अलामत जो बड़े के साथ है, चौबीस बड़ा है सात जमा था, मैंने जमा अठारह लगाया। ओके चलें जी ये दो ए है और माइनस बारह लिखा हुआ है, तो मैं यहां लिखूंगा माइनस बारह जमा दो ए। ओके ये हो गया इनक्लोज्ड एंड इज इक्वल टू सेवन टेन एटीन एंड वन। चलें जी अब हम बनाएंगे इक्वेशन, क्योंकि सात तो सात के इक्वल हो गया, लेकिन ये इक्वेशन बनी है हमारे पास यहां आठ जमा तीन बी इज इक्वल टू टेन, ये है पहली इक्वेशन। ओके और अठारह अठारह इक्वल हो गया और माइनस बारह जमा दो ए इज इक्वल टू वन, ये हमारे पास बनी दूसरी इक्वेशन। सो देयर आर टू इक्वेशंस, नाउ वी कैन सॉल्व दीज इक्वेशंस। सो यहां हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू वन या एक की रू से, उर्दू वाले एक की रू से और इंग्लिश वाले अकॉर्डिंग टू वन। क्या करेंगे जी इसको सॉल्व करते हैं, ये आपको पता है, मैंने समझाया था पहले आपको, फर्स्ट जब आपकी थी ना एक्सरसाइज 1.1 उसमें समझाया था कि अब देखें ये आठ जमा तीन बी इज इक्वल टू टेन है, तो हम क्या करेंगे ये तीन बी इधर रहेगा और ये जो आठ है उधर जाके क्या होगा माइनस आठ, तो तीन बी इज इक्वल टू टू आ गया क्योंकि जमा दस है माइनस आठ है और बी की वैल्यू निकालनी है, तो ये टू इधर जरब खा रहा है, तीन उधर जाके बटे के नीचे आ जाएगा, सिंपल। ओके एक की रू से तो ये हो गया, अब यहां लिख रहे हैं जी दो की रू से, दो की रू से क्या होगा, यहां मेरे पास है माइनस बारह और जमा दो ए बराबर एक है, तो दो ए इज इक्वल टू एक जमा ये मनफी बारह जाके जमा बारह हो जाएगा जी, और दो ए इज इक्वल टू तेरह और ए के साथ दो जरब खा रहा है, उधर जाके तेरह बटा दो हो जाएगा। ए की वैल्यू जो हमारे पास निकली है वो निकली है तेरह बटा दो और जो बी की वैल्यू है वो निकली है दो बटा तीन। सो दीज आर टू वैल्यूज, जो होता है ना आंसर उसके नीचे ऐसे अंडरलाइन करना बड़ा अच्छा होता है, दिस इज द पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ योर मैथ पेपर। आप जो कॉलेज के यूट्यूब पे लेक्चर्स मौजूद हैं स्टडी सीरीज के, उनको भी देखेंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा कि जो आंसर होता है मैथ का, अमूमन उसके नीचे लाइन लगा देना या उसे इस तरह से इन सर्कल कर देना, इन रेक्टेंगुलर कर देना, ये अच्छी आदत होती है, इससे एग्जामिनर को बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि इसने आंसर निकाल के उसको प्रोमिनेंट कर दिया है। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर सेवन, एक्सरसाइज 1.3 है और हम इसका क्वेश्चन नंबर एट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन एट में आप देखें बुक के ऊपर
ए का जो मैट्रिक्स है वो दिया गया है और कहा गया है अगर एक ए हमारे पास 1, 2 एंड 0, 1 हो और बी का जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास 1, 1, 2, 0 हो, ठीक है। तो अब आपने वेरिफिकेशंस करनी है। उसमें पहली जो पहला जो पार्ट आ रहा है इसका, उसमें कहा गया है कि a प्लस बी करके इसका अगर हम ट्रांसपोज कर देंगे तो ये इक्वल आएगा अगर हम a ट्रांसपोज करेंगे फिर हम b ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है। तो अब आए इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां चूंकि लिखा गया है भी a प्लस बी ऊपर ट्रांसपोज, तो हम क्या करेंगे यहां चूंकि हमने वेरीफाई करना है तो लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले ली मैंने और मैंने भी यहां पे a प्लस बी लिखा। अब मैं चाह रहा हूं जो मैंने आपको लास्ट मेथड बताया था उस तरीके से, तो अब a लिखेंगे यहां पे भी हम 1, 2, 0, 1 और ये प्लस है प्लस लिखेंगे फिर b लिखेंगे आगे, तो 1, 1, 2, 0, ठीक है जी, इक्वल लिखा। इसको जमा करके सॉल्व कर देते हैं। तो 1 जमा 1 आपको पता 2 होता है, 2 जमा 1 3 होता है, 0 जमा 2 कर लें ऐसे, 0 जमा 2 जो है वो 2 होता है, 1 जमा 0 1 होता है, ये हमारे पास निकल आया। अब हम इसका क्या करने जा रहे हैं ट्रांसपोज। तो मैंने यहां लिखा a प्लस बी सारे का मैंने ट्रांसपोज निकालना है। कैसे निकलेगा जी, आपको पता है बड़ा इजी है कि हम जो रो है उसे कॉलम वाइज लिखेंगे, तो 2, 3 और 2, 1 ये हो गया जी ट्रांसपोज, ये हमारे पास एक क्लियर हो गया। अभी हम a का ट्रांसपोज निकालते हैं, यहां लिखते हैं हम a इज इक्वल टू a जो हमारे पास है उसमें आपको पता है 1, 2, 0, 1 है। अब आगे हम लिखते हैं यहां पे a ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज कर देते हैं, आपको पता है 1, 2 ऐसे नीचे आ जाना है और 0, 1 इस तरह आ जाना है, ये a ट्रांसपोज हो गया। यहां लिखते हैं b इज इक्वल टू b मेरे पास है 1, 1, 2, 0 और मैं यहां b ट्रांसपोज जब करता हूं तो वो क्या होगा जी 1, 1 और 2, 0, इस तरह से गौर करें। अभी हम क्या करने जा रहे हैं जमा करेंगे, यहां लिखता हूं मैं a ट्रांसपोज को हमने जमा करना है अब b ट्रांसपोज में और इक्वल का निशान जरूर डालना आपने इस तरह। a ट्रांसपोज क्या आया है 1, 0, 2, 1 और प्लस करना है b ट्रांसपोज में, वो क्या आया है, वो आया है 1, 2, 1, 0, जमा कर दीजिएगा आपको 1 प्लस 1 2 होता है, ओके 2 प्लस 0 2 होता है, 2 प्लस 1 3 होता है, 1 प्लस 0 1 होता है। अगर आप गौर करें तो ये a प्लस बी ट्रांसपोज जो आया था, अब क्या करेंगे इसको पैसे अंडरलाइन करेंगे और इसको भी आप इस तरह a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज को भी से अंडरलाइन करेंगे ताकि एग्जामिनर को वाजिया हो जाए। और यहां पे आप लिखेंगे आप पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अच्छा मैं एक नई चीज लेके आया हूं, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, अदरवाइज आपको याद है मैंने आपको बताया हुआ जो क्वेश्चन होता है वही आप यहां लिख दें। लाइक आप लिखें a प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, दीज आर बोथ करेक्ट, ये दोनों आप यहां लिख सकते हैं पास लिख के और इंग्लिश वाले यहां पे हेंस प्रूव्ड लिख के तो आगे कर सकते हैं, ओके जी। ये हमारी जो फर्स्ट पार्ट था वो मुकम्मल हुआ, आ रहे हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में जो दिया गया है वो आप अगर बुक के ऊपर देखें तो लिखे लिखा नजर आ रहा है आपको, इसमें है जी ए माइनस बी अगर होल ट्रांसपोज होगा तो हम इसको ए ट्रांसपोज और माइनस बी ट्रांसपोज की शक्ल में लिख सकते हैं, दोनों का सेम होगा, ये रूल है जी, कानून है। तो वही बात क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड टेकिंग लिखना साथ लिख लें। तो मैंने यहां पे क्या लिखा, पहले मैंने यहां पे लिखा a माइनस बी इज इक्वल टू, अब a लिखते हैं, a में मेरे पास क्या है 1, 2, 0, 1 माइनस b में मेरे पास क्या है जी 1, 1, 2, 0, सॉल्व कर देते हैं।
सॉल्व कैसे करेंगे, एक माइनस ए का आपको पता जीरो आना है और टू माइनस एक एक आना है, जीरो माइनस टू आना है और वन माइनस जीरो वन आना है। अब ये मैंने स्टेप एक नहीं किया, आप लोग अब इतने तो शार्प हो गए होंगे कि इस चीज को आप सॉल्व कर लें, ठीक है। अब हम यहां पे लिख रहे हैं ए माइनस बी ट्रांसपोज, कैसे करेंगे इसका ट्रांसपोज, हम आपको पता है जीरो वन उधर जा रहा है, इधर हम उसको ऊपर से नीचे ले आएंगे माइनस टू वन। अभी हमने यहां पे ए का ट्रांसपोज लेना है, ए पहले लिख लें, ए हमारे पास है वन टू जीरो वन। अब हम इसके सामने लिखते हैं ए का ट्रांसपोज, ये कैसे निकलेगा जी, आपको पता है कि वन टू जीरो वन इस तरह निकलेगा। अब मैं यहां बी का मैट्रिक्स लिख रहा हूं, ये बी में क्या है वन वन टू जीरो। अब एक्चुअली हमने निकाले यहां पे गौर करें, यहां पे निकला हुआ ये, तो मैं इसको जैसे देख के लिख लेता हूं भाई, वन टू वन जीरो, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ए ट्रांसपोज को माइनस करना है बी ट्रांसपोज में, तो यहां पे हम ए ट्रांसपोज लिखते हैं पहले, वो ये वाला है वन जीरो टू वन और उसके हम माइनस लिखते हैं। अब बी का ट्रांसपोज लिखते हैं सामने वन टू वन जीरो, आंसर लेके आते हैं। माइनस करना है वन माइनस वन, डेफिनेटली जीरो आना है जी, आपको पता है, ठीक हो गया। उसके बाद जीरो माइनस टू आना है, टू माइनस वन वन आना है और वन माइनस जीरो वन ही रहना है। तो गौर करें, जो हमारे पास ए माइनस बी सारे का ट्रांसपोज था, वो ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज करने से भी सेम आया। तो यहां हम लिखेंगे प्लस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, साबित हो गया। 1.3 ही है, क्वेश्चन नंबर 8 है, इसकी जूज हम करने जा रहे हैं अभी, तीसरी जी, थर्ड पार्ट का जो क्वेश्चन है वो मेरे सामने लिखा हुआ है कि ए प्लस ए ए ट्रांसपोज जो होगा ये सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक क्या होता है, तो आइए देखते हैं कि ए को हम जब प्लस ए ट्रांसपोज करते हैं तो आंसर क्या आता है। ए हमारे पास यहां मेंशन है जी, ए मैं लिख लेता हूं, ए हमारे पास दिया गया है वन टू एंड जीरो वन, ये ए है, ठीक है। अब ए है तो हमने अब क्या निकालना है, ए का हम ट्रांसपोज निकाल देते हैं, कैसे निकलना है वन टू जीरो वन, ये ट्रांसपोज हो गया। अब उसने कहा कि अगर हम ए प्लस ए ट्रांसपोज करें तो वो सिमेट्रिक कॉलम आएगा, देखते हैं कैसे आता है। हम ए प्लस ए ट्रांसपोज करते हैं, अब यहां पे ए क्या है वन टू जीरो वन और प्लस हम करेंगे ए ट्रांसपोज, वो है वन जीरो टू वन, ओके। चलें सॉल्व करें क्या आता है, वन प्लस वन टू आना है, टू प्लस जीरो टू आना है, वन जीरो प्लस टू टू आना है, वन प्लस वन टू आना है। तो ये जो हमारे पास कॉलम आया, गौर करें, ये सिमेट्रिक नहीं है, यानी अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालें तो डेफिनेटली वो सिमेट्रिक ही होगा। तो हम लिखेंगे इस कॉलम का ट्रांसपोज यही कॉलम होगा, इसलिए टू 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 ये क्या है, सिमेट्रिक कॉलम है। उर्दू में इसको ऐसे लिखेंगे, सिमेट्रिक, क्लियर जी, सिंपल। आगे चलते हैं, हमारे पास चौथी जूज है, चौथी जूज में दिया गया कि जो हमारे पास ए माइनस ए ट्रांसपोज है ये स्क्यू सिमेट्रिक है, अब सिमेट्रिक तो आप समझ के क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है,
स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब ये है कि अब यहां मैं अगर इसको लिखूं आपको मैथमेटिकल फॉर्म में, तो मैं लिखूंगा कि अगर ए हमारे पास बराबर हो जाए ए ट्रांसपोज के, तो इसको हम सिमेट्रिक का लग देंगे। ये सिमेट्रिक हो गया, ठीक है। और ये बात समझिए, अगर ए हमारे पास जो कॉलम है, तो अगर हमारे पास इफ ए जो है वो ए ट्रांसपोज के इक्वल आ जाए, तो ए हमारे पास क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। और अगर हमारे पास ए कॉलम जो मौजूद है अगर वो माइनस हो किसके, ए ट्रांसपोज के, अगर ए ट्रांसपोज के इक्वल ए आ जाए तो ए सिमेट्रिक, अगर ए ट्रांसपोज के इक्वल ए माइनस आ जाए तो फिर ए कौन सा, उसे हम स्क्यू सिमेट्रिक कह देते हैं। आई होप आप बात समझ गए होंगे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है कौन सा, ए, और ये सिमेट्रिक है कौन सा, ए। अगर ए ए ट्रांसपोज के इक्वल आएगा तो वो सिमेट्रिक होगा। अब देखे ना, हमारा ए जो है वो ए ट्रांसपोज के इक्वल, जब हम इसको सॉल्व करके ये लेके आए हैं, तो ये गौर करें जो ए हमारे पास आ गया है, लाइक ये अगर ए प्लस ए ट्रांसपोज जो भी आया, ये कॉलम, अगर ये कॉलम हमारे पास इसका ट्रांसपोज हम बनाए तो वो यही बनेगा ना, तो फिर ये क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। इसी तरह अगर हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो वो उसे माइनस के इक्वल आएगा, तो उसे हम स्क्यू सिमेट्रिक कहेंगे। अब मैं करके दिखाता हूं आपको, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो यहां क्लियर हो जाए। तो ए में हमारे पास मौजूद है जी 1 2 0 1, ठीक हो गया, ये हमारे पास ए है। अब हम ए का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, हमने पहले भी निकाला है, 1 0 2 1 आ जाना है। ए निकाल लिया, ए का ट्रांसपोज निकाल लिया। अब चूंकि उसने कहा कि ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक होगा, तो आए फिर क्या करते हैं, ए माइनस ए ट्रांसपोज करके चेक कर लेते हैं। ए में है 1 2 0 1 और माइनस ए ट्रांसपोज में है 1 0 2 1। जरा सॉल्व करें, 1 माइनस 1 0 आना है, 2 माइनस 0 2 आना है, 0 माइनस 2 माइनus 2 आना है, और 1 माइनस 1 0 आना है। अब ये देखने के लिए कि स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं, हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं। ए माइनस ए ट्रांसपोज है, सारे का हमें ट्रांसपोज करना है। आपको पता है ये 0 2 है, 0 2 आ जाना है, -2 और 0 आ जाना है। अच्छा, ये दो कॉलम आए हैं मेरे पास, एक ये वाला और एक ये वाला। तो कहा यह गया है कि अब इसका अगर ट्रांसपोज ले लें, जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, तो अच्छी बात है, ताकि हम प्रूफ कर सकें ए प्लस ए ट्रांसपोज सारे का ट्रांसपोज, तो डेफिनेटली ये वही आना है। इसलिए ट्रांसपोज दोबारा लेने से हमें पता चल गया कि ये जो कि वही आ रहा है, लिहाजा ये सिमेट्रिक है। अब यहां गौर करें, वही आ रहा है, ये वही नहीं आ रहा, साइन चेंज हो रहा है, यानी ये जो माइनस है इसका साइन चेंज हो रहा है। अगर मैं एग्जाम्पल आपको दूं, तो ये जीरो यहां पे, अगर मैं थोड़ा आपको समझाने के लिए करूं, ये देखें जरा, ये मेरे पास 0 2 है, -2 0 है, ये कॉलम है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसमें से माइनस को कॉमन ले लूं, तो मुझे बताएं क्या होगा, भाई जो प्लस का 2 था वो -2 हो जाएगा, जो माइनस का 2 था वो +2 हो जाएगा, कॉमन जो ले लिया मैंने। अगर इसको सॉल्व करेंगे हम, तो दोबारा स्टेप वही आ जाएगा जो पीछे वाला है। देखिए, ये मनफी कालब हो गया ना इसका, इसका ये मनफी कालब है, लिहाजा ये स्क्यू सिमेट्रिक हुआ। तो आपने यहां लिखना है कि चूंकि, एक और करें, कि जो हमारे पास ए माइनस ए ट्रांसपोज है, ये हमारे पास इक्वल है -a - a ट्रांसपोज सारे के ट्रांसपोज के, तो लिहाजा ये क्या है, ये स्क्यू
सिमेट्रिक कॉलम है। आई होप आप बात समझ गए होंगे अच्छी तरह से। ये मैंने स्टेप किया नहीं था क्योंकि मैं नजर आ रहा है कि ये ट्रांसपोज लेने से वही आएगा, लेकिन कर लें तो अच्छी बात है ताकि साबित करना होता है, तो मैंने कर लिया यहां से भी और यहां भी मैंने इसे सॉल्व करके तो प्रूफ कर दिया कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो यहां भी लिख दें आप, लिहाजा ये कॉलम सिमेट्रिक है, पीछे लिख दिया हमने। और यहां मजीद ये हो गया कि इसको सॉल्व करके आंसर इसका दे दिया गया है। 1.3 क्वेश्चन नंबर 8 और ये लास्ट दो जुजे हैं जी, पांचवी और छठी, तो आइए इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। सो पांचवी जुज बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो पीछे हमने सॉल्व किया है। तो बी इज इक्वल टू, मैं बी लिख रहा हूं यहां पे, बी मेरे पास है जी 1 एंड 2 एंड 0, ये मेरे पास बी का कॉलम है। डेफिनेटली हमने बी का ट्रांसपोज निकालना है, तो निकालते हैं कैसे निकलेगा बी का ट्रांसपोज। ये 1 1 है तो 1 1 इस तरह, और 2 0 नीचे है तो ये 2 0 इस तरह। क्योंकि आपको बताया हुआ मैंने किस तरह निकालते हैं, जो रो है उसे कॉलम बना देते हैं, जो रो है उसे कॉलम बना देते हैं। हमने क्या करना है, बी को हमने प्लस करना है बी ट्रांसपोज में। तो कैसे करेंगे इसको आपको पता है, यहां मैंने बी लिखना है 1 1 2 0 और यहां मैंने प्लस बी ट्रांसपोज करना है, तो ये 1 2 1 0। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 1 प्लस 1 2 होता है और 1 प्लस 2 3 होता है और 2 प्लस 1 भी 3 और 0 प्लस 0 0। ये मेरे पास एक कॉलम आ गया और कहा गया कि ये हमारे पास सिमेट्रिक है। अब कैसे निकालेंगे सिमेट्रिक, हम क्या करते हैं जी, ये मेरे पास एक कॉलम आया है तो हम बी प्लस बी ट्रांसपोज जो हमारे पास आया है वो 2 3 3 0 आया हुआ है, ठीक है। अगर हम दोबारा बी प्लस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले लें तो क्या आएगा, ये 2 3 है, ये 2 3 आ गया, ये 3 0 था, ये 3 0 आ गया। तो गौर करें, ये कोई फर्क पड़ा है, दोनों बराबर है, क्योंकि या चूंके, यहां से लिखे चूंके बी प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी प्लस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, लिहाजा बी प्लस बी ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक कॉलम है। क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि जो ए है हमारे पास, अगर ये ए ट्रांसपोज के इक्वल आ जाए तो ये सिमेट्रिक कॉलम होता है। ए से मुराद यहां ये बी प्लस बी ट्रांसपोज है, ठीक है, और ए ट्रांसपोज से मुराद यहां बी प्लस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है, क्लियर। चलें अब ये निकाल लेते हैं। तो बी हमारे पास मेंशन है 1 1 2 0, ओके। तो अब हमने बी का ट्रांसपोज निकालना है, इधर निकाल लेते हैं बी का ट्रांसपोज कैसे निकलेगा जी। ये 1 1 था, ये 1 1 हुआ, ये 2 0 था, ये 2 0 हुआ, ये ट्रांसपोज आ गया है। अब हमने क्या करना है, हमने बी माइनस बी का ट्रांसपोज निकालना है, निकाल लेते हैं। बी पहले आएगा 1 1 2 0, ठीक है, माइनस बी ट्रांसपोज आएगा 1 2 1 0, ओके। इसको निकालें जरा क्या आता है, एक में से माइनस एक करना है, 0 आना है, ठीक है, एक में से माइनस टू करना है, माइनस वन आना है, 2 माइनस 1 करना है, 1 आना है, और 0 माइनस 0 करना है तो 0 आना है। तो ये हमारे पास निकल आया जी ट्रांसपोज किसका, ये देखें बी माइनस बी ट्रांसपोज जो निकला है वो मेरे पास 0 माइनस 1 1 और 0 निकला है, ठीक हो गया। अच्छा अब हमने क्या करना है, बस आ गया आंसर, लेकिन अब अगर हमें चेक करना हो कि ये सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है, अगर हमें चेक करना है उसका मेथड ये है कि हम इसका दोबारा ट्रांसपोज ले लेंगे, ठीक है जी, इसका दोबारा ट्रांसपोज लें। तो मैंने यहां पे बी माइनस बी ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज किया तो क्या होगा, ये गौर करें, ये 0 माइनस 1 और ये 1 0 आ गया। देखें ये मनफी कालब है, अगर आप गौर करें तो ये कालब इसका इसका ये वाला मनफी कालब है,
मनफी कॉलम कैसे है, ये मनफी कॉलम इस तरह से बनता है कि हमारे पास एक कॉलम है, ये देखिए जीरो माइनस वन और वन जीरो, ठीक है। तो ये एक कॉलम है, लेकिन इस कॉलम का मनफी कॉलम क्या है? अगर मैं इसको माइनस की लामत दूं तो आपको पता है लाम के अंदर चेंज होनी है, तो ये वन आना है, यहां माइनस वन आना है, यहां जीरो आना है। तो गौर करें, इसका ये वाला मनफी कॉलम है, तो इसका ये वाला चूंकि मनफी कॉलम है, सो लिहाजा चूंकि ये जो आगे लिखा है उसी मुताबिक चलेंगे, चूंकि बी माइनस बी ट्रांसपोज जो है ये इक्वल आया है माइनस इंटू बी माइनस बी ट्रांसपोज के ट्रांसपोज के, तो लिहाजा लिहाजा बी माइनस बी ट्रांसपोज एक क्या जी स्क्यू स्क्यू सिमेट्रिक कॉलम है, क्योंकि हम जानते हैं हम जानते हैं, तो क्या हम जानते हैं कि अगर माइनस कॉलम आ जाए ए ट्रांसपोज का तो वो क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो इसके साथ ही हमारी जो एक्सरसाइज 1.3 है वो मुकम्मल हो गई जी।